All right, Sanjay, so nice to have you at the podcast. Thank you so much for joining me, bro. बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ देख के, एंड बहुत अच्छा लग रहा है ये भी जान के कि you're doing really well as an MC. So this entire conversation, you're going to build it around only one thing, and that is अगर there is a अगर कोई एक बच्चा या you know बच्ची है जो 20-25 साल की है and they want to start a career in podcast, तो उनको क्या करना है? A little about your journey. A little about इस इंडस्ट्री का क्या स्कोप है, इसमें अंदर कैसे आना है, what is the skill set required and all that, ठीक है? So very quickly, I want you to take a minute to introduce yourself. Thank you so much, Pai man. You are really doing good, and I really appreciate it. Thank you for calling me. मैं हिंदी में बात करना चाहूँगा, और मेरी हिंदी पता नहीं आपको कैसी लगे, लेकिन हाँ, मैं कोशिश जरूर करूँगा कि आपको समझ आए मैं क्या बोलना चाहता हूँ. ओके, सो मेरा नाम है संजय पोद्दार, और टोटल मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग पास आउट हूँ 2004, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम. जब पास आउट होने के बाद वही कॉलेज से जब बाहर आते हैं तो सबको टेंशन होता है कि यार जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो स्ट्रगल एक साल चला. एंड दिस इज आई स्टार्टेड विद अ कॉल सेंटर, देन आई ज्वाइन इन टू आई टी. माई फर्स्ट कंपनी वाज सेंटल. सेंटल के बाद आई ज्वाइन कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट HSBC, विप्रो. वैसे टोटल 4-5 कंपनियों में मैंने अपनी जिंदगी के 14 साल इन्वेस्ट किए, बहुत कुछ सीखा. आई विल नॉट से इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द थिंग कि जहाँ से मैंने सीखा मेरा बेस बना. और 2018 में आई स्विच्ड, जहाँ मुझे बोलने के पैसे मिलते हैं और मैं बात करता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है, लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, और कहीं ना कहीं एक सुपर पावर फील होती है कि मैं 10,000, 20,000, 25,000 या कितने भी लोग रहने दो, मैं उनको अपनी उंगलियों पे नचा सकता हूँ. एंड दिस इज द स्ट्रेंथ आई हैव गॉट, एंड समवेयर आई एम ब्लेस्ड, ऊपर वाले की दुआ है. और ये बहुत ही एक्साइटिंग है, और ये धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि मैं इस फेज में कैसे आया. लेकिन या दिस इज ऑल अबाउट मी, जहाँ से शुरुआत की थी मैंने एक छोटा सा बर्थडे इवेंट होस्ट करने से आज. इंडिया के नंबर वन MC बनने तक की स्टोरी है ये. हाँ, मतलब एक छोटे ओके से बर्थडे से शुरुआत की थी, और आज मैं कम से कम ऑल ओवर वर्ल्ड में इवेंट्स का होस्ट करता हूँ. सो ये ऊपर वाले की दुआ है. एंड तुम्हारी मेहनत. ओके थैंक यू, परफेक्ट. थैंक यू. अच्छा संजय, लास्ट 1-2 महीने में आई बीन सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन कि ये इवेंट हो रहा है, वो इवेंट हो रहा है. हाउ डज इट फील टू डू एक एक इवेंट जब होता है, हाउ डू यू फील अबाउट इट कि आज चलो कल एक इवेंट है, बड़ा इवेंट है. हाउ डू यू फील अबाउट इट राइट नाउ? रात को नींद आती है? मेरे लिए, ट्रस्ट मी, मैं अपने काम के लिए बहुत बहुत ज्यादा सीरियस हूँ. आई एम वेरी सीरियस फॉर इट. मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है, एंड आई गिव 100%. आई टेल यू व्हाई. मैं हर एक इवेंट को एक काम की तरह नहीं लेता, मैं, मेरे लिए वो पूजा है, बिकॉज दिस इज माई ब्रेड एंड बटर. यहाँ मैं मजाक नहीं कर सकता, यहाँ मैं हल्के में नहीं ले सकता. तो मैं हर इवेंट से पहले, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उस मोड में चला जाता हूँ, मैं उस ट्रांस में चला जाता हूँ. जैसे कल अगर मेरा इवेंट है तो एक दिन पहले उसकी होमवर्क होता है, एंड आई एम श्योर बहुत सारे MCs यही करते होंगे. मैं उस मोड में चला जाता हूँ, उस इवेंट के मोड में चला जाता हूँ. हमारी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि एक फैक्ट आपको बताता हूँ कि एक कॉर्पोरेट इवेंट, जो बड़ा इवेंट है, उसमें कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ का वो इवेंट होता है, अगर आप टोटल ओवरऑल बिल देखें. और उस इवेंट एजेंसी के लिए एक एंकर, उस इवेंट का एक चेहरा होता है, सब कुछ वही होल्ड कर रहा है, राइट? एक फिल्म में एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है, और एक्टर पे पूरी फिल्म होती है. सेम वही है, ये वी आर द एक्टर्स. अगर वहां पे हमसे कुछ गलती हो गई तो पूरा इवेंट नेस्तनाबूद हो सकता है. तो आई टेक इट वेरी सीरियसली. पहले क्लाइंट से मीटिंग होती है, वी ट्राई टू एब्जॉर्व, हम पूरी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम चीजें समझें उनसे कि क्या एक्सपेक्टेड है. आप ट्रस्ट नहीं, आप ट्रस्ट नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे, प्रोनाउंसिएशन एक छोटा सा फैक्टर है. मान लीजिए आपका नाम फाहिम सेठ है और आप CEO हैं, मैं आपका फाहिम की जगह कुछ और नाम बोलते तो आपको कितना बुरा लगेगा? पहीन बोल दो या फिर सेठ की जगह सेठ बोल दो. आई अंडरस्टैंड. बहुत छोटी चीजें लेकिन बहुत मायने करती हैं. कई बार ऐसे होता है कि लोग नाराज हो जाते हैं अगर आप किसी के, कोई MC से गलती हो जाती है. तो ये छोटी छोटी चीजें, जो बीच में फिलर्स होने वाले हैं उसमें आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपकी ओपनिंग लाइन्स कैसे होनी चाहिए, मॉड्यूलेशन कहाँ होने चाहिए, हर एक चीज के. और एक चीज बताता हूँ, इतना होमवर्क करने के बावजूद जो भी हमारी प्रिंट आउट होती है, तो क्यू कार्ड्स बोलते हैं, हम कट करके उसके ऊपर चिपकाते हैं, वो व्हाइट होता है, और इवेंट जैसे जैसे शुरू होता है वो पूरा ब्लू हो जाता है. इतने रन टाइम चेंजेस आते हैं. तो मेरे लिए आई एंजॉय दिस प्रोसेस. पहले बहुत डर लगता था, लेकिन अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आप मुझे नींद से भी उठा दो, मुझे एक DJ दे दो, और मुझे 10,000 लोग दे दो, मैं उनको 3-4 घंटे, आई प्रॉमिस यू, दे विल लिव देयर लाइफ. सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज समबडी हुज वेरी बबली, और किसी को लगता है कि लोगों को खुश करने से आपको खुशी मिलती है. आई थिंक दैट्स अ परफेक्ट यू नो परफेक्ट इंटरेस्ट और परफेक्ट DNA फॉर एन MC. ओके अच्छा संजय, थोड़ा सा ना पीछे चलते हैं आपके लाइफ में. यू टोल्ड मी दैट योर एन इंजीनियरिंग ग्रेड, एंड आई नो के मैं बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट से मिलते रहता हूँ. आई नो लाइफ इज नॉट वेरी एक्साइटिंग देयर. एक उम्मीद रहती है कि प्लेसमेंट हो जाए तो कुछ ना कुछ हो जाए एंड ऑल दैट. बट वेन यू वॉन्टेड टू शिफ्ट, और आई थिंक आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाट यू सेड, 14 साल के एक्सपीरियंस के बाद में जब यू वॉन्टेड टू शिफ्ट, व्हाट वॉज योर फैमिली रिएक्शन जब आपने बोला कि मुझे MC बनना है?
मैं समझ सकता हूँ इंडिया में अगर कोई बोलता है मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या सीएस बनना है तो बहुत जल्दी फैमिली में एक्सेप्ट हो जाता है, बट कोई अगर जाके बोले मुझे एमसी बनना है एंड मैं वो आई विल कंटिन्यू दैट एज अ ब्रेड एंड बटर। बाय बाय दैट टाइम यू आर ऑलरेडी मैरिड, दैट्स मुझे याद करे दो यार रॉन्ग। मेरी शादी कब हुई यार? आई वॉज ठीक मैरिड, या है मैं या ओके बच्ची नहीं गेट सकती, दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड। इट। ओके सो यू आर मैरिड, वेरी वेरी सीरियस नोट, यू आर मैरिड एंड बिकॉज आई अंडरस्टैंड, मैंने भी अपना पहला बिजनेस तभी स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज मैरिड, माय वाइफ वाज कैरिंग माय फर्स्ट चाइल्ड, तो आई नो हाउ स्कैरी दैट बिकम्स एट टाइम्स, दो इट इज एक्साइटिंग, दो आप अपना पैशन जीने की कोशिश कर रहे हो एंड ऑल दैट, बट शिफ्टिंग फ्रॉम अ रेगुलर जॉब जहां पे आपको स्टेडी सैलरी मिल रही है, महीने के एंड होता है, फिक्र नहीं होती कि अगले महीने सैलरी आ जाएगी, वहां से मूविंग इनटू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो भी एक एमसी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, आई वांट सम हाईलाइट्स ऑफ ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसके ऊपर मेरे पास बहुत ही बढ़िया जवाब है। मैं आपको दैट। बताता हूँ क्या होता है। जब जब मैं शुरुआत में इवेंट्स में, अभी भी इवेंट्स में जाते हैं, यू नो व्हाट, लोग हमें क्या पूछते हैं कि आप एंकरिंग के अलावा और क्या करते हैं। ये हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है, वो एंकर को प्राइमरी जॉब नहीं मानते। उनको लगता है कि ये क्या है यार, मतलब आज एक काम मिला, पता नहीं कल रेगुलर काम है कि नहीं। दिस नॉट अ रेगुलर जॉब, राइट? और यहाँ भी इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, 10 में से 8 काम, ये इंडस्ट्री का फैक्ट है जो आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ, 10 में से 8 काम फीमेल एमसीज को जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ग्लैमर होगा, उतने ही पैसे अगर इसको देने, इसको क्या, लड़कों को क्या बुलाना है, ये एक फैक्ट है। आई एम श्योर फीमेल एमसीज बहुत अच्छा करती हैं, दे हैव द मेलोडियस वॉइस, किसे सुनना पसंद नहीं लड़कियों की आवाज, राइट? इवन एलेक्सा इज ऑल्सो फीमेल वॉइस, सो दैट्स अ जनरल रीजन। लेकिन इस टफ कॉम्पिटिशन में ये बिल्कुल जायज है सोसाइटी का ये सोचना कि यार इनको रोज काम होता है क्या। आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी आपकी लड़की की शादी है और आप अपने लिए, अगर लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो आप एक स्टेबल जॉब वाला ढूंढेंगे जो 9 to 6 रेगुलर जॉब कर रहा हो, जिसके पास 1 तारीख को फिक्स इनकम आ रहा हो, करेक्ट। सेम मेंटालिटी। अब शुरुआत हमारी हुई थी 2004 से, जब मैं पास आउट हुआ 2018 तक, 14 साल मैं आईटी में था। तो अलग अलग कंपनीज में सेम लाइफ मेरी 9 to 6 भूलने के लिए होता है, ऐसा नहीं होता है। 9 9 बजे जाना होता है और वापस 10 11, उसका कोई टाइम नहीं होता। सो ऑलमोस्ट 12 घंटे ऑफिस में रहने के बाद, एक क्यूबिकल में बैठने के बाद, एंड आई वॉज अ टिपिकल हार्ड कोर कोडिंग डेवलपर, मैं मेनफ्रेम्स में काम करता था बैंकिंग सॉफ्टवेयर के लिए, और ट्रस्ट मी वो इतना आसान नहीं है। जितने भी आईटी वाले मेरे भाई लोग सुन रहे होंगे वो भी इस बात से राजी होंगे कि इट्स लाइक रनिंग एन एल्गोरिदम, हमेशा आप कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं तो वैसा, बिकॉज एक चीज करने के 100 तरीके होते हैं। सो वी हैव टू चूज द ऑप्टिमम कोडिंग पाथ कि जिससे आउटपुट आए, और ऑप्टिमम पाथ मतलब बहुत दिमाग का प्रेशर वाला काम है। फिर मीटिंग्स हैं, फिर आपके अप्रेजल्स हैं, फिर आपको इंटरनल पॉलिटिक्स हर जगह होता है, आपको हर जगह पता है। तो वो सब सिनारियों के बीच में यू आर बॉम्बार्डेड विद हाई प्रेशर। आपको खुद के जिमिंग के लिए टाइम नहीं है, आपको बॉडी शेप भूल जाना है, आपको सिर्फ अपनी कंपनी के लिए 100% देना है, अपनी नहीं किसी और की कंपनी के लिए 100% देना है, राइट? और आपको बस पकड़ के वापस जाना है। तो इन सब चक्करों में मेरा वजन ऑलमोस्ट 96 100 kg हो गया था। ओह शिट रियली। पर्सनल लाइफ कुछ नहीं बची थी। और ये करते 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 एक वक्त ऐसा आ गया था कि आई वॉज एट द सीनियर लेवल नाउ इन द लास्ट 2018 के आसपास। तो ये करते वक्त ऐसा हुआ कि 2016 की बात है बेसिकली। सो हम ये, जैसा आपने बोला कि हर आइट जो जॉब कर रहे हैं उसे कुछ ना कुछ करना होता है, मुझे हमेशा लगता था कि नहीं यार, कुछ तो लाइफ में करना, एक ही लाइफ है, हम ऐसे ही मर जाएंगे नहीं तो 9 to 6 कर करके, कुछ तो अलग करना है। और ये सारे कन्वर्सेशन जो भी जॉब करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी एमएनसीज में जॉब करते हैं, ये सारे कन्वर्सेशन खाने के टेबल पे होते हैं। आपके 2 टाइप के दोस्त होते हैं, एक आपके क्यूबिकल में, आपकी टीम में जो आपके प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जिनसे आप काम करते हैं, काम बात करते हैं काम के लिए। एक और दोस्त होता है जो आपके साथ दूसरे प्रोजेक्ट का होता है ग्रुप, लेकिन वो खाने के टेबल पे आपको मिलता है। या फिर सुट्टा सा कभी मिलता है। हाँ, सुट्टा सा तो नहीं है वो, लेकिन करेक्ट। हाँ, वो खाने वाली चीज, जहाँ पे 1 घंटा आप साथ में बैठते हो, वहाँ पे अच्छे असली आपके दोस्त होते हैं। वहाँ पे यही टॉपिक निकलता था कि यार कुछ तो ट्रू करना चाहिए, क्योंकि ट्रू कब क्या बोलते हैं, फायरिंग बहुत चलता है, वो रिटेलिएशन बहुत चलता है, तो कब कहाँ किस पे तलवार गिर जाए, मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सब सीन, मैंने देखे हुए हैं। बहुत डर लगता है, सच में आपको बता रहा हूँ, कि आपकी 1 तारीख को लाइबिलिटी है, आपको 1 तारीख की करेक्ट। ईएमआई से कार लोन, होम लोन, और एक दिन आपको अचानक बोल दिया जाए कि कल से आपको नहीं आना है, खत्म हो जाएगा सब कुछ, राइट? स्कैरी बहुत बहुत डर लगता है। एक्चुअली संजय, आई एम सो सॉरी बट आई वांट टू से दिस आउट वेरी लाउड, सेइंग दो जॉब इंडस्ट्री लुक्स वेरी स्टेबल, इट्स वेरी अनसिक्योर, वेरी एब्सोल्युटली अनसिक्योर, एटलीस्ट फॉर पीपल जो हमारे हाई लोग हैं आईटी में, उनके लिए स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आप एक लेगेसी सिस्टम पकड़ के बैठे हो, कोई भी बड़ी कंपनी में ले लो, F500 ले लो, अगर आपको लगता है कि जिंदगी भर उससे आपका काम चल जाएगा, आई थिंक संजय इज राइट, कब किसकी पिंक स्लिप हो जाए यू डोंट। अगर आपको आईटी अच्छी भी लगती है मेरे भाई, प्लीज डू सम नेटवर्किंग, कीप योर ऑप्शंस रेडी, पता नहीं कब किसका ऑफर लेटर की तरह लीव लेटर आ जाए। मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई, ब्रो मैंने देखा है। मतलब टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है,
आपको हमेशा इवॉल्व रहना पड़ता है, आप नहीं बोल करेक्ट सकते कि मुझे मैनेजर रोल करना, यू हैव टू बी टेक्नो मैनेजर रोल। तो ये सब चलो आईटी की बातें होंगी, तो वहां से हमारा डिस्कशन था कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। लेकिन कई लोग बात करके छोड़ देते थे, मुझे वो था कि आई एम समथिंग लाइक आई बिलीव इन एक्शंस। मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट, तो अब ये नहीं करेंगे, मैंने फेसबुक पे डाला एंकर अवेलेबल, ऐसा मैंने डाल दिया सोशल मीडिया पे। तो जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, बहुत बड़ी सोसाइटी है, किसी ने तो देखा मुझे, फोन आया कि सर आप मेरे बर्थडे का इवेंट है, आप एंकरिंग करेंगे क्या मेरे बेटे का बर्थडे? मैंने कहा हाँ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि कितना लेंगे आप? मैंने कहा 1,000 रुपये। और मैं शर्ट और पैंट में जीन्स में चला गया, जेब में कुछ बलून्स लेके चला गया, कुछ नहीं पता था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई होल्डिंग द माइक। और मैंने वही, वो क्लब हाउस में बहुत इको था, आई स्टिल रिमेंबर। अब क्या बात, क्लब हाउस आप सोचो बर्थडे पे क्या सेटअप करेंगे, करेक्ट वो आहूजा वाला साउंड, वो सबसे मतलब सस्ता वाला साउंड, इको आ रहा है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, ऑडियंस को सुनाई नहीं दे रहा है, ऑडियंस अपना बातें करी जा रही है, मैं अपना बोले जा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को बलून फुगाने बोल रहा हूँ, उसको फोड़ो बोल रहा हूँ, वो म्यूजिकल चेयर टिपिकल। ये मेरी शुरुआत थी, दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। और So one lesson that I want to recall for the audience is don't expect आपका first event या first MC बहुत अच्छा जाएगा. I'm sure you will have stage fear, you will have lot of stage forgetfulness. आप that would be the worst MCing you can ever do. First one, वहां से better होता जाता है. So okay, तो that was in 2016. 2016, और जितने एमसीज अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा, हर एक की शुरुआत बर्थडे से ही होती है। अच्छा, तो ओके, मो हाँ, दैट्स द बेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड. यस यस, दैट्स द बेस्ट वे, बिकॉज वहां पे आपको पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड आई टेल यू, स्टिल आई टेल यू, बर्थडे इज द टफेस्ट टू होस्ट। स्टिल मैं 1,500 इवेंट कर चुका हूँ, इंटरनेशनल इवेंट्स करता हूँ, लेकिन अभी बताओ कि बर्थडे इज द टफेस्ट टू होस्ट। आई टेल यू व्हाई, वहां पे व्हाई डू यू टाइम से दैट? हाँ 45 मिनट्स टू 1 घंटा का टाइम होता है, वहां पे लगातार आप ही को करना होता है, जो कुछ करना है आपके लिए ब्रीदिंग टाइम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू होस्टिंग अ कॉर्पोरेट इवेंट, और वहाँ पे एक आपने गणेश वंदना करेक्ट. का अनाउंसमेंट कर दिया, तो वहाँ पे ब्रीदिंग टाइम मिल रहा है आपको, 5 मिनट का डांस हो रहा है, आप बैक स्टेज जाके अगले की तैयारी कर सकते हो। बर्थडे में ऐसा नहीं होता, एक हो गया, दो हो गया, बच्चे आपकी पैंट खींच रहे हैं, जैकेट खींच रहे हैं, एक तो सबसे पहले बच्चे आपको अंकल बोलते हैं, वो बहुत इरिटेटिंग लगता है, बट दैट्स अ फैक्ट। फिर आपको बच्चों को कैटर करना है, बुजुर्ग लोगों को कैटर करना है, और कपल्स को कैटर करना है। दिस इज हाउ, सो दिस इज हाउ स्टार्टेड। फिर मुझे लगा कि जॉब करते करते यार मैं बर्थडे कब तक करूंगा। एक इंसिडेंट मुझे बताना चाहता हूँ, मैं प्रोजेक्ट Now, मैनेजर। in fact, I wanted to ask you this question. Where was the turning point जहाँ you decided कि भाई मुझे birthday से हट के ना इसको बहुत seriously लेना? हाँ एग्जैक्टली, दैट वॉज वही मैं आपको बता रहा था कि मैं सीनियर पोजिशन पे था, आई वॉज अ टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर था शायद, और मेरे अंदर जो टीम थी काफ़ी 22-23 लोगों की टीम थी जिनको मैं गाइड करता था। अब हुआ ये कि मैं ऑफिस से शाम को सीधा होस्टिंग के लिए जाता था, बर्थडे होस्ट करता था पहले 1 साल में। तो 6-7 महीने होने के बाद जो बर्थडे ऑर्गेनाइज करने वाले छोटे छोटे इवेंट एजेंसी, उनको पता चल गया था कि एक नया एंकर आया है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है और बहुत खतरनाक लेता है, तो फैल गया था। तो मुझे इवेंट्स मिलते थे, मेरा रेट हो गया था 3,000 रुपये उस समय। And just for clarity, 3,000 is like for that 1 hour. हाँ, उसे 1 घंटे के बर्थडे इवेंट के लिए 3,000 रुपये मेरा रेट हो गया था, बढ़ गया था। तो मैं लाखों में सैलरी कमाता था, लेकिन उस 3,000 की खुशी अलग थी कि कुछ अलग करके मिल रहा था, समथिंग विच अच्छा, वो आई लव्ड। पैशन पैशन हाँ हाँ एग्जैक्टली से आ रहा है वो पैसा. एग्जैक्टली। तो मैं एक इवेंट में गया, मुझे काफ़ी अच्छा होटल था वहाँ पे गया, और इवेंट में जाने के बाद आप जो भी मैनेजर वैनेजर हो सब आई टी मैं, राइट, वहाँ पे आईडी कार्ड, तो आप एक इवेंट एजेंसी के लिए एक छोटे से एंकर हो, तो मैं अपना बैग रख के एकदम एकदम ऐसे शोल्डर झुके हुए नहीं गया। तो वो इवेंट वाला के बोलता है सर आइए आइए बैठिए बैठिए, पानी लीजिए, चलिए आपको क्लाइंट से मिलवाता हूँ। तो ये एक नॉर्मल रूटीन होता है कि क्लाइंट से मिलवाते हैं, उनसे भी क्या इनपुट्स लेते हैं, कौन क्या करना है, ऐसा कितने लोग आने वाले हैं। तो जैसे ही उसने क्लाइंट से मिलवाया, मैंने देखा कि मेरा टीममेट जो नॉर्मल जस्ट 1 साल हुआ है ज्वाइन करके, उसको, ही इज वेरी जूनियर टू मी, उसके बेटे का बर्थडे है, एंड यू डिडंट नो दैट. मुझे नहीं पता था। और उसकी तो लग गई, उसने देखा भाई मेरा बॉस सामने खड़ा है, और उसने मुझे इनवाइट नहीं किया था। ये तो करेक्ट डबल उसके लिए वो वाली बात हो गई, नेगेटिव बात हो गई, तो करेक्ट. इनवाइट नहीं किया था, दूसरा सामने यहाँ क्या कर रहा है। तो उसने इवेंट वाले बोलता कि सर यहाँ कैसे आप सर 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 करने लगे, इवेंट वाला भी एकदम चकरा गया कि ये क्या हो रहा है। तो उसने बोला सर ये हमारे एंकर हैं। बोला सर आप? मैंने कहा हाँ। अभी उसको मैं साइड में लेके बोला कि भूल जा कि अभी मैं बॉस हूँ द एंकर एंड एंजॉय। बट मैंने ऑब्जर्व किया कि वो पूरी पार्टी उसके लिए, उसके चेहरे पे वो शिकन थी, उसको टेंशन था कि कल ऑफिस में कैसे फेस करेगा मुझे। तो मैं जब वापस जा रहा था उस टाइम घर, मैंने सोचा कि यार ये तो कब तक चलेगा ऐसा, राइट। लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंडस्ट्री का फैक्ट ये है कि जब मैंने जैसे कहा कि कॉर्पोरेट इवेंट का बजट कम से कम 20-30-40 लाख का होता है, कोई भी इवेंट एजेंसी किसी बड़े एंकर पे या नए एंकर पे इतनी जल्दी ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। आपको एक ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है, और वो आपकी वो पहली चीज़, आजकल वीडियोज का जमाना है, तो आपसे वीडियोज मांगा जाता है, जब आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो वीडियोस कहाँ से आएंगे। एंड फॉर द ऑडियंस हु आर वाचिंग दिस वेरी सीरियसली, आई थिंक दिस इज अ गुड टेक अवे. नंबर वन, हाउ डू यू स्टार्ट विद बर्थडे पार्टीज, बट यू नीड टू लेवल दिस अप. आपका गेम को लेवल अप करना है, और जब वो करना है तो यू हैव टू हैव योर यू नो कोलैटरल्स रेडी. एंड आज का कोलैटरल संजय, आई टोटली अग्री विद यू. वी बोथ बिलोंग टू ऑलमोस्ट लाइक द सिमिलर इंडस्ट्री. ट्रेडिंग भी वैसे ही है, एमसीएम भी वैसे ही है. पीपल आस्क मी फॉर योर वीडियोस.
पीपल डोंट केयर कि आपने वर्ल्ड बैंक के लिए काम किया है, एमसीन किया है, जो भी किया है, ट्रेनिंग किया है, दे से गिव मी शॉर्ट क्लिपिंग्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज बिकॉज़ दे वांट टू सी योर बॉडी लैंग्वेज, दे वांट टू सी योर कॉन्फिडेंस. आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर पीपल हु आर वाचिंग दिस. ओके संजय, बिफोर इवन वी गो देयर, एक छोटा सा मुझे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है. ठीक है, चलो कोई है वो बोल रहा है ठीक है मुझे बर्थडे पार्टीज भी मैं होस्ट करना स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, अब बर्थडे पार्टीज यू सेड आर एक्साइटिंग बट मोस्ट डिफिकल्ट ऑल्सो, क्योंकि आपको ब्रीदिंग टाइम नहीं मिल रहा है एंड पूरी की पूरी जमात आपके सामने खड़ी है कि अंकल अब क्या करने वाले हैं नेक्स्ट. बट तो उस पे थोड़ा सा इनपुट बिफोर वी एक्चुअली मूव इनटू द नेक्स्ट लेवल ऑफ एमसी. तो अगर कोई एमसी करना चाहता है तो बर्थडे से स्टार्ट करें, दैट्स माय इनपुट, दैट्स दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड. बट वो कैसे अनाउंस करें, कैसे लोगों को बताएं कि भाई मैं एंकर. सी जैसे मैंने कहा कि बर्थडे बहुत टफ है होस्ट करना, लेकिन उतना ही आसान है बर्थडे का काम मिलना। तो ये दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो जिसको भी करियर स्टार्ट करना है, उसको स्टेज चाहिए, उसको माइक चाहिए, और कोई भी कॉर्पोरेट में आपको पहले चांस नहीं मिलेगा, एटलीस्ट ऐसा वीडियो जहां पर आपकी लोग आवाज सुने, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखे, जैसा भी आपने कहा। तो बर्थडे का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको काम आसानी से मिल सकता है, राइट? लेकिन जिसको शुरुआत करनी, ऑब्वियसली वो प्लानिंग तो वहाँ पे भी करनी पड़ेगी। अब गेम्स के लिए आपको प्लानिंग तो वहाँ पे करनी पड़ेगी, कुछ स्मॉल स्मॉल प्रॉप्स कैरी करने पड़ेंगे। और बहुत लोग आजकल यूट्यूब पे बाकी एंकर्स की वीडियो देखकर कर लेते हैं उतना जुगाड़। एक साल भर आपको लगेगा आपकी वीडियोज बनाने में या फिर कनेक्शन बनाने में। लेट मी टेल यू, एज एन आर्टिस्ट और एज एन एंटरप्रेन्योर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इट्स द गेम ऑफ कनेक्शन। आपके नेटवर्क कितने कनेक्ट्स हैं, कितने नेटवर्क हैं, यही मैटर करता है। और ये फैक्ट है कि एवरी इवेंट एजेंसी हैज़ देयर फेवरेट एमसी। मैं कितना भी 30 मार्क का रैंक दूँ, मैं एक इवेंट एजेंसी को ये नहीं बोल सकता कि भाई कोल्ड कॉलिंग करके कि मुझे ले लो। भाई तू है कौन, पहले लेट मी नो यू। तो ये बहुत गलत तरीका है कि किसी को कॉल करो मुझे काम दो, या उस वो अगर आपसे 1 लाख रुपए में कर रहे हैं तो मैं 50 हमें करने को तैयार हूँ ना। एक ऑर्गेनिक रीच होती है, पता है, ऑर्गेनिक कनेक्शन, वो बहुत मायने। वो कैसे होता है आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छे एमसी हैं और आप मेरे दोस्त हैं, क्योंकि हम कहीं नेटवर्क में मिले, आपको मेरा काम पसंद है और आप किसी इवेंट एजेंसी एक्स वाई जेड के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उस डेट में आप अवेलेबल नहीं है, आपके पास ऑलरेडी काम है। तो आप क्या बोलेंगे, संजय यार ये वाला कर ले। और तब मैं जाता हूँ और तब इवेंट वाले मुझे लाइव देखते हैं, क्योंकि दे ट्रस्ट यू, दैट्स वाई दे आर ट्रस्टिंग मी। और जब मैं वहां पर जाता हूँ, फिर मैं जब रॉक करता हूँ, तो उनको लगता है यार ये बंदा खतरनाक है, लेट्स कॉल हिम। इसके इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि फिर अगली बार फाइन को बुलाया नहीं जाता है, क्योंकि उनको मेरा काम पसंद है। तो ये एक ड्रॉबैक भी है, सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, वो बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा, इफ समबडी स्टार्टिंग अ करियर एज एन एमसी, उसको पहली चीज तो मुझे ये समझ में आता है, डोंट लीव योर जॉब टू स्टार्ट समथिंग लाइक दिस. देयर इज अ ट्रांजिशन जो लोग समझते नहीं इंडिया, जब आप एक जॉब से एक बिजनेस में जाते हैं. आई थिंक द क्लासिकल एग्जांपल वन ऑफ माय मेंटर्स सेड वाज, आप किराए के घर पे हो, आप खुद की बिल्डिंग बन रहे हो, खुद का घर बन रहे हो, आप क्या रोड पे आ जाते हो क्या डायरेक्ट? नहीं, आप किराए के घर पे ही रहते हो जब तक आपका पूरा घर बने. वैसे ही व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम योर एम्प्लॉयमेंट इनटू एन एंटरप्रेन्योरशिप और सोलोप्रेन्योरशिप, इफ आई कैन पुट दैट, इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव द ट्रांजिशन टाइम जहां पे आपकी कैश फ्लो बराबर होगी, आपका बिजनेस मॉडल सेट होगा. हाउ मच डू यू थिंक एंड अ बिगिनर शुड चार्ज एट अ बर्थडे पार्टी? फर्स्ट थिंग, लेट मी कम टू ट्रांजिशन। बहुत सही सवाल है ये, क्योंकि जब मैं अपनी जर्नी बता रहा था, आप ट्रांजिशन वाली चीज़ बताना भूल गया। सो आई स्टार्ट इन 2016 और मैंने छोड़ा 2018 में जॉब। सो कैन इमेजिन, वो 2 साल वो ट्रांजिशन वाला टाइम था और वो इतना टफ, 16 से 18. 2 साल आई वॉज डूइंग बोथ। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी लग जाती है क्योंकि आपको सैटरडे संडे मिलता है और सारे इवेंट सैटरडे संडे होते हैं, तो आप 5 दिन ऑफिस में काम कर रहे हो और 2 दिन आप इवेंट होस्ट कर रहे हो। तो सबको धीरे धीरे पता चल गया था कि मैं ये बंदा सिर्फ वीकेंड पे अवेलेबल होता है। तो मैं सैटरडे संडे में 5 5 इवेंट्स करता था और मंडे टू फ्राइडे जॉब करता था। तो मैंने 6 महीने से 1 साल तक कभी छुट्टी ली नहीं। और कई बार ऐसा होता था कि ऑफिस में मैं 6 बजे हूँ और मुझे 7 बजे इवेंट वेन्यू पहुंचना है, तो मैं कार में ही चेंज करके सीधा स्टेज पे चढ़ जाता था। तो ये मेरा ट्रांजिशन टाइम था, जो आपने बिल्कुल सही बोला, नेवर एवर डायरेक्टली स्विच। ये बहुत बड़ा सुसाइडल अटेम्प्ट है कि एक तारीख को आपकी लाइबिलिटीज और आपने जॉब छोड़ दिया। नो, हीरो बनने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जाइए और जिस दिन आपका वो इनकम इस इनकम से मैच होता है, देन यू कैन जंप। दैट इज द बेस्ट वे। एटलीस्ट इट शुड मुझे ये लगता है संजय कि अगर एक बार मैच भी हो जाए ना, तो 3 6 महीने वहां पे रह के देखो, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सीजन टाइम में आपको पैसा आ गया और उसके अकॉर्डिंगली आपको लग रहा है कि पूरा साल मुझे आता रहेगा. एंड ये एम्प्लॉयमेंट में जो जो भी 5 साल से ज्यादा गुजार देते हैं ना, दे आर सो यूज टू दैट फर्स्ट मंथ की सैलरी ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ कि उनको लगता है कि एक्स्ट्रा 1 लाख आ गया, उड़ा दो यार, आ जाएगा वापस, बिजनेस से नहीं चलता. ओके, तो कमिंग बैक एब्सोल्युटली टू द क्वेश्चन, लेट्स से समबडी स्टार्ट्स यू नो अ करियर विद एमसी, उसको कितना चार्ज करना चाहिए? ओके, नाउ अगेन दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। कॉस्ट कम विद द क्वालिटी एंड क्वालिटी कम्स विद द कॉस्ट, राइट? ये दोनों पैरामीटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कॉस्ट का मैं हमेशा लोगों को बोलता रहता हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियोस भी हैं, कि कभी भी कॉस्ट आपकी कीमत दूसरा डिसाइड करे, ये सबसे गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सब्जी लेने भी जाता हूँ, हम सब्जी वाले से पूछते हैं कि भाई ये इसका कॉस्ट क्या है, इसका दाम क्या है, राइट? हम नहीं बोलते कि भाई मूली मुझे 4 रुपये किलो चाहिए, ऐसा नहीं होता, राइट?
आपके टैलेंट की कदर आपको खुद को करनी आनी चाहिए। सो ये डिपेंड्स ऑन सिटी टू सिटी, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जो पुणे का रेट है वो हैदराबाद में नहीं चलेगा, हैदराबाद का रेट मुंबई में नहीं चलेगा। स्ट्रॉन्गली एग्रीड हो गया। सो लेट मी रिवील द फैक्ट्स, मोटा मोटा सजा, मोटा मोटा मोटा। मोटा मोटा यस मोटा टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3। हाँ, जैसे बर्थडेज का मैंने आपको बता दिया, 3, 5, 7, 10, मैक्स 10, ये बर्थडेज का है। कमिंग ऑन टू द कॉर्पोरेट इवेंट, अगर कोई बिगिनर है पुणे का, मैं पुणे का रेट्स बता रहा हूँ आपको, 15 से 20 इज वॉट दे टेक पर इवेंट। और जो स्टार्लिश एमसीज हैं दे टेक 50 to 60,000 आई इन थिंक पुणे, इट इवन गोज अप टू 1 लाख, इन लाख पुणे। लाख या एंड मुंबई देर आर एमसीज हु चार्ज 3 लाख पर इवेंट, ये भी है। सो हर एक ने अपनी कीमत सेट की है, और जो कीमत सेट की है उसका वो वर्थ देते हैं। 3 लाख चार्ज करके भी दे डोंट हैव द डेट्स, दैट इज द फैक्ट। खुशी होती है। वेल आई वांट टू रियली सी यू 1 डे संजय, एज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एमसीज व्हिच विल हैपन वेरी सून विद ऑल द डेट्स ब्लॉक्ड फॉर नेक्स्ट थैंक यू लाइक सो मच, मार्च। आपके मुंह में घी शक्कर। डन, आई मीन हो जाए ठीक है। अब कमिंग बैक टू दिस, कोई स्टार्ट कर रहा है, कोई एक्साइटेड हो गया, एंड ये एक यूनिवर्सल फैक्ट पकड़ के चले, लेट्स बी वेरी ओपन अबाउट इट। अगर नीचे कमेंट्स में कोई बायस लिखता है तो भी आई एम ओके विद दैट, बट ये रियलिटी है कि इस इंडस्ट्री में, एमसी इंडस्ट्री में, वुमेन हैव एन एक्स्ट्रा एज ओवर मेन। ये फैक्ट है, वेरी सटल यस फॉर मी। ओके, तो ऑब्वियसली वुमेन गेट पेड स्लाइटली हायर देन मेन, इज दैट द फैक्ट? अगेन देर आर टू थिंग्स, जैसा मैंने अभी शुरुआत में कुछ मिनट पहले सेम कहा, क्वालिटी, सेम एक्सपीरियंस, सेम लोकेशन। अब बताओ। हाँ मैंने अभी कुछ मिनट पहले कहा कि 10 में से 8 काम गोज़ टू फीमेल एमसी। ऑब्वियसली दे आर ब्लेस्ड, दे आर ब्यूटिफुल, दे हैव ब्यूटिफुल वॉइस, ये सब फैक्टर्स ये ऊपर वाले की देन है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग देर आर फीमेल एमसीज हु चार्ज 5,000, हु चार्ज 10,000, हु चार्ज 50,000, हु चार्ज अप टू 3 लाख to 5 लाख, ये भी है। राइट, अगेन यू आर अ, इमेजिन यू आर अ सीईओ ऑफ अ कंपनी राइट नाउ, यू आर, और आपकी 1,000 लोगों की स्ट्रेंथ है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आई एक्सप्लेन यू द एग्जाम्पल। और आपके कंपनी का एनुअल डे है, और आप एक किसी इवेंट एजेंसी से मीटिंग रूम में बैठे हैं, वहाँ पे एमसी नहीं होता है, और स्लाइड चल रही है, सर बॉलीवुड थीम करते हैं, एंट्री ऐसा होगा, स्टेज ऐसा होगा, सबको बोलेंगे हम ब्लैक अटायर में आने के लिए, अवार्ड शो भी है। नाउ हियर कम्स द एमसी, सो वी हैव 4 ऑप्शन सर। द फर्स्ट फीमेल एमसी XYZ, शी इज अमेजिंग, शी इज बोल्ड एंड शी इज सुपर पावरफुल, शी विल एनर्जाइज एंड पम्प्ड अप, ऐसा वैसा, शी हैज होस्टेड फलाना फलाना। एमसी नंबर टू संजय पोद्दार, मेल एमसी, वेरी एनर्जेटिक, वेरी पावरफुल एंड ब्ला 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 ब्ला। अब आपने सब कुछ देखा, अब आप क्या देखोगे यार? आप सोचोगे पैसे तो मुझे दोनों को देने हैं, यहाँ पे मुझे एक सॉफ्टनेस, एक ग्लैमर मिल रहा है, एक द फेमिनिज्म, द पावर ऑफ फेमिनिज्म, तो वो थोड़ा सा है। बट आई टेल यू वन थिंग, अगर आप में स्पार्क है, यू हैव समथिंग विच इज़ यूनिक, विच इज़ कॉल्ड USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट, राइट, फिर ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। और मैंने देखा है मेंटालिटी लोगों की, जब भी अवार्ड शो होता है दे प्रेफर फीमेल एमसीज, जब भी टीम बिल्डिंग होता है जहाँ पे पावर एनर्जी की जरूरत होती है, फिर मेल एमसीज, विच इज़ ओके, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। राइट, हाँ कॉस्टिंग कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फीमेल एमसीज के उसको ज़्यादा मिल रहा है ऐसा कुछ नहीं है, हर एक का अपना अपना टैलेंट है, उसके ऊपर सबकी अपनी कॉस्टिंग है, विच इज़ फेयर इनफ। बट मैं हमेशा यही चीज़ अभी कह रहा हूँ कि मेल फीमेल ये सब बाजू रखो, आपके अंदर फोकस क्या है, आपके अंदर क्या है, डेवलप योर सेल्फ, आप क्या अलग दे करो। सकते हो, थिंक फ्रॉम द शूज ऑफ एन ऑडियंस, हु इज सिटिंग द ऑडियंस एंड दे वॉन्ट। मैं अभी एक एग्जाम्पल हमेशा देना चाहता हूँ, दिल, कौन सी मूवी दिल चाहता है, दिल चाहता है में 3 कैरेक्टर थे, अक्षय खन्ना, सैफ अली खान और आमिर खान। अक्षय खन्ना नॉर्मली जब आते थे स्क्रीन पर लोग थोड़ा सा ग्रिप छूट जाता, सैफ अली खान आता लोग ठीक है हल्का फुल्का हंसते थे, लेकिन जब आमिर खान आता था ग्रिप कर देता था ऑडियंस को, गूज़बम्प्स आते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अपना फोन देखें, वॉशरूम जाए, नहीं यार वो ग्रिप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो अलग अलग इवेंट्स होते हैं, अगर आपने आपका निश आप ठीक तरह से चुन रहे हो, एंड इफ यू आर मैच्योर अबाउट द इंडस्ट्री, देन यू डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो किसी ने बर्थडे पे स्टार्ट किया, 3-5 हज़ार रुपये कमाना शुरू किया, अब उसको एक तरीका ये है, आई थिंक ट्रेनिंग इंडस्ट्री एंड एमसी इंडस्ट्री गोज वेरी मच हैंड इन हैंड। हम लोग ट्रेनिंग एजेंसीज को पकड़ते हैं, लाइक हाउ यू डू योर इवेंट एजेंसीज, उनके साथ उनको गूगल आउट करो। अभी एक क्वेश्चन नीचे आएगा, सर हाउ डू आई लुक फॉर यू नो इवेंट इवेंट मैनेजिंग कंपनीज, भाई गूगल कर लो अपने एरिया में मिल जाएगी। ओके, सो एंड ऑफ कोर्स डोंट डोंट जस्ट कॉल देम, लाइक सजेस्ट डोंट जस्ट कॉल देम एंड से कि भाई यू नो व्हाट आई एम एन एमसी, कैन यू गिव मी नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नो सेंड सम वीडियोस ऑफ योर्स एंड ऑल दैट, आई थिंक दैट्स द इन्वेस्टमेंट यू नीड टू। कमिंग टू यू सर, हाउ वाज योर ट्रांजिशन? अब ये तो हुआ है बर्थडे का, एंड कॉर्पोरेट का पहला बड़ा वाला इवेंट कहां कौन सा था, व्हिच यू कैन से कि भाई वहां से मुझे समझ में आ गया गेम।
क्योंकि हर बिजनेस में चलता है, मुझे भी ट्रेनिंग में हुआ था। एक ऐसा मोमेंट आता है व्हेन यू नो कि हाँ भाई अब ये गेम मेरी पूरी समझ में आ गई। व्हाट वाज दैट मोमेंट फॉर यू? ओके सो मैं ये बताने से पहले, मैं एक शाहरुख का मैंने एक वीडियो देखा था, शाहरुख खान साहब, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उन्होंने एक वीडियो सेम में हियर कहा ब्रो। था, ओके उन्होंने वीडियो में कहा था कि आपका टैलेंट आपको इतना बड़ा बना सकता है, लेकिन आपके आसपास के लोग, आपके कनेक्ट्स, आपका नेटवर्क आपको इतना बड़ा बना सकता है, इसलिए राइट टाइम राइट प्लेस और विद राइट पीपल दैट विल मेक यू बिग। टैलेंट यहाँ यहीं तक है, सीमित रह जाएगा। और ये उनके साथ हुआ और ये मेरे साथ भी हुआ। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि जब एक साल मैंने बर्थडे करता रहा करता रहा, पैरेलली जैसा भी आपने कहा कि मैं जस्ट डायल गूगल पे जाता था और कॉर्पोरेट इवेंट्स इन पुणे, ऐसे बहुत लोगों को ढूंढता था। फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मिलते थे, फेसबुक पे मिलते थे, मैं उनको मैसेजेस डालता था। मैं कॉलिंग करने में थोड़ा सा घबराता था, डायरेक्ट कॉल कैसे करूँ, बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये मेरी 6 महीने जद्दोजहद चल रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जीरो रिस्पॉन्स, किसी एक ने भी रिवर्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा कि हर एक का अपना फेवरेट एमसी है, इसको थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टफ है, और आखिर में दिखाने के लिए है क्या, बर्थडे के वीडियोस जहाँ पे पीछे बलून्स लगे हुए, तो वो नहीं चलता। सो ऐसा करते 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 एक दिन एक शख्स है पुणे के, जो ही इज वन ऑफ द टॉप लीडिंग इवेंट में एजेंसीज इन पुणे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मैसेज भी नहीं किया, सीधा कॉल किया, और उनका नंबर सेव था मेरे पास, बस मैं वो डायल नहीं कर पा रहा था। और अचानक से आप सोच रहे हो, आप जिनकी जिसके बारे में सोच रहे हो, ड्रीम कर रहे हो कि इनके साथ काम करना है, उनका अगर आपको कॉल आ जाए, 1-2 मिनट तो मैं खुशी के मारे पागल हो गया कि मैं फोन उठाऊं, कैसे उठाऊं, क्या बात करूं, मैंने गला वाला साफ किया, उठाऊं कि नहीं उठाऊं चक्कर में वो कॉल चला गया, वो उठा नहीं पाया, इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं कॉल उठा नहीं पाया। फिर मैंने वापस कॉल बैक किया, कॉल भी कराया किया तो वहां से फोन उठाया, उन्होंने कहा कल सुबह तुम अवेलेबल हो क्या। भाई मतलब एक तो वीकेंड था, मैं जॉब कर रहा था, सैटरडे मॉर्निंग था, और ऊपर से वहां से कॉल, मैंने कहा हाँ सर अवेलेबल हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है कल 5 बजे, एकदम क्विकली कल 5 बजे सुबह मिलता हूँ, मैं तुमको पिक करने आता हूँ, मुझे एड्रेस भेज देना। मैंने बोला भाई साक्षात भगवान आपको पिक करने के लिए आ रहे हैं, जिस आप मीटिंग के लिए बात कर रहे थे वो अचानक आपको पिक करने के लिए आ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो लिटरली मैं रेडी हुआ, मुझे ये तक नहीं पता था कि इवेंट क्या है, क्योंकि बात ही नहीं हुई, एक तो एक्साइटमेंट में ऐसा हुआ कि मैंने पूछना भूल गया। समझ रहे हो, जिनके साथ आप बात करना चाहते करेक्ट, हक्का हो, हाँ पक्का जिसे बोलते हैं। हाँ वो सब लाइक इट वॉज लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू। मैंने ये नहीं पूछा कि इवेंट क्या है, मैंने ये नहीं पूछा कि मैं क्या पहनूं, बस एक बैग लिया और कितना भेज। पैसा हाँ मिलेगा? दैट पैसा तो छोड़ो, वाज तो सेकेंडरी। दैट वॉज सेकेंडरी, पहला कॉर्पोरेट इवेंट समझ रहे हो आप। तो मैंने अच्छा, फिर, दिस वाज द फर्स्ट वन। हाँ दिस वॉज द फर्स्ट वन, इसके पहले सब बर्थडे से कर रहा, दिस वॉज द फर्स्ट इवेंट। और मैंने कहा कि मैंने हर कॉर्पोरेट इवेंट को पिंग करते जाता, सबके नंबर सेव किए, तो जब वहां से कॉल आता है वो अलग फीलिंग होती है। सो मैं फर्स्ट वन, वो भी सुबह 5 बजे, मैं अपना ब्लेजर ऐसा फोल्ड वेल करके हाथ में खड़ा हूँ, जीन्स शर्ट पहन के खड़ा हूँ, बड़ा ब्राइट टाइम, 5 बजे वो आ गए, गाड़ी में बैठा। अब भाई अनजान व्यक्ति, अब जिनसे काम करने के लिए आप मर रहे हो, बात करने मर रहे हो, सामने बैठे हैं, साइड में बैठे हो, साइलेंट, वो भी बहुत चुप थे, मैं भी बहुत चुप, कुछ नहीं, 1 घंटे का ट्रैवल था। मैंने वेयर पूछा वाज पुणे दिस? पुणे या, तो मैंने पूछा कि कौन सा इवेंट है, उसने कहा कि क्रिकेट के मैचेस हैं, बस इतनी हमारी 1 घंटे में बात हुई, क्रिकेट के मैचेस हैं, वो भी चुप, मैं भी चुप। और मैंने बोला ठीक है इनको बात नहीं करते, मैं भी क्यों ज्यादा करेक्ट। मुंहफट बनूं, ठीक है। ऐसा करते करते हम ग्राउंड में 6 बजे पहुंचे, मुझे अभी भी याद है ये फेब का महीना था 2016 का, और सर्दियों की ओस होती है वैसे ग्राउंड पे, पूरी ओस थी, मैंने ग्रासेस पे ऐसे देखा कि बूंद आती, वैसे बूंदे आई हुई थी, पिच पूरा खाली, जैसे ग्राउंड नहीं होता बड़ा सा ग्राउंड, स्टेडियम टाइप ग्राउंड था, तो MIT स्कूल था वो लोनी में, सोलापुर रोड पे, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। मैं देख रहा हूँ कि मुझे लगा स्कूल है, तो मुझे लगा बच्चों के मैचेस होंगे और वहाँ पे मुझे कमेंट्री करनी है, और मैं खुद 2 स्टेट से नेशनल खेल चुका हूँ, मुझे क्रिकेट का बहुत अच्छा नॉलेज है, मैं पंजाब से खेला हूँ, मैं महाराष्ट्र से खेला हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे क्रिकेट का नॉलेज है, शायद इसलिए बुलाया होगा, ऐसा वैसा मुझे लगा। मैंने देखा आधे घंटे में स्टम्प्स गड़ गए, तंबू लग गए, इतना फास्ट था सब कुछ, और सब कुछ तैयार हो गया, माइक साउंड सब कुछ जैसा IPL में होता है वैसा। 7 बजे दैट गाय केम टू मी, ऑल योर्स, ये है कॉर्पोरेट क्रिकेट चैंपियनशिप, यहाँ पे द क्लाइंट वॉज इंडस टावर्स, जो सबके लिए टावर सप्लाई करते हैं मोबाइल कंपनी, और इनकी इन जो क्लाइंट्स हैं वो हैं सारी मोबाइल कंपनीज, कम से कम 12 मोबाइल कंपनीज थी उस समय जो मैचेस खेलने के लिए आई थी। देखते देखते पूरा ग्राउंड भर गया, एंड दैट वॉज माई फर्स्ट इवेंट, और मैं गया स्टेज पे सेंटर पे और टॉस करने के लिए, दैट माई फर्स्ट टाइम मैंने होस्टेड माइक लाइक प्रोफेशनल। और भाई हम रवि शास्त्री के बहुत बड़े फैन थे, अच्छा, और एकदम नहीं क्या वो नोट पैड उपैड लेके बैठे, ये वाला माइक वैसा था क्या? वो बॉक्स लगा हुआ है बॉक्स एक वाला, साइड से बॉक्स जो वाला, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बोलते वहां पे पूरा ब्रांडिंग किया हुआ। बट सोचो आप जिस चीज का ड्रीम कर हैं। रहे हो, जिसको आप कॉपी करते हो, वो सब रियल में हो रहा है आपके सामने, राइट। स्टेज पे खड़ा हूँ, सब लोग खड़े हैं, टीम एकदम जर्सी में, ऐसे जर्सी में खड़ी है एकदम हाथ बैक करके लाइन में, और दोनों कैप्टन सामने हैं, और मैं वेलकम कर रहा हूँ टॉस टाइम, मैंने प्रॉपर शास्त्री में कर दिया, लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम एवरीवन फॉर द इंडस प्रीमियर लीग 2024, एंड दिस इज संजय पोदार, एंड इट्स अ टॉस टाइम, आई हैव बोथ द कैप्टन्स रेडी। और वो जो मैंने शुरुआत किया, और लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, वो इवेंट वाला मेरी तरफ देख रहा है, उसको लगा कि यार गाड़ी में बंदा शांत था, अचानक इसको माइक पे क्या हो गया, एकदम और रवि शास्त्री टाइप।
ये तो शुरुआत ही ठीक है, कमेंट्री भी, लास्ट में जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुआ उसका वीडियो मैं अभी भी देखता हूँ, वो इतना धमाकेदार हुआ, मतलब कोई बोलेगा नहीं कि मैं नया था, क्योंकि मैं वो पल जीता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ हमेशा कि मुझे ऐसा बनना है। अच्छा वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ, मैं स्टेज के पीछे है, मैं बैकपैक कर रहा हूँ, 12 के 12 कंपनीज के सीओ आए और उन्होंने उस इवेंट मैनेजर से पूछा कि हमको उससे मिलना है, एंड दे केम बैक एंड दे सेड आप सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट करते हो क्या? तो मैं तो बोल रहा था लाइक नहीं सर, मैं तो कोई भी इवेंट करता हूँ टाइम, मैं लिटरली, मुझे नहीं पता था, बट मुझे सच नहीं है, पता था। आई विल टेल यू, आई कैन, जब आप बोल रहे हो ना, आई कैन एक्चुअली विजुअलाइज इट, विजुअलाइज इट कि आप थके हुए हो फिर भी वो एनर्जी निकल रही है बिकॉज इट्स योर पैशन। एंड जब ऐसा ऑफर आता है कि 12 CEO सब आके आपसे बोल रहे हैं दूसरा कोई इवेंट करते हो, एंड अंदर से आवाज निकल रही है सर आप बोलो तो सही, मैं तो बोर्ड रूम से लेके नहीं मैं इतना सीधा, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने वाला, पता है नहीं सर ये मेरी लाइफ का पहला इवेंट है, इनफैक्ट मैं ऐसे बोलने वाला था तक, उस जो मेरे इवेंट मैनेजर जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं उन्होंने जी मुझे ऐसा पिंच किया और उन्होंने गुगली डाली, उन्होंने बोला नहीं सर स्पोर्ट्स इसका आज पहला इवेंट था, नहीं तो एंटरटेनमेंट और एनुअल डेज में ही चैंपियन, घुमा दिया उन्होंने। और उसके बाद ट्रस्ट मी ऊपर वाले की दुआ है, मुझे कभी काम नहीं मांगना पड़ा, इन 12 कंपनीज के एनुअल डेज मैंने किए और यहाँ से जर्नी की सर शुरुआत हुई, और वो पहला इवेंट और आज 1500 इवेंट तक शुरू हो चुके हैं, जिसमें कम से कम 30 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूँ फॉर इंटरनेशनल इवेंट्स राइट नाउ। आई थिंक दिस अ ह्यूज टेक अवे फ्रॉम दिस सेम, आपको नहीं पता कि अपॉर्चुनिटी कहां से आने वाली, किसके थ्रू आने वाली है, एंड हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन, मुझे नहीं पता हु दिस पर्सन इज, बट हैट्स ऑफ टू हिम इज बिकॉज ट्रेनिंग एजेंसीज में होता है, पीपल नॉर्मली फील बैड कि कोई फ्रीलांसर को बोल रहा है कि मैं डायरेक्टली उससे करता हूँ, एंड आई एम श्योर इवेंट इंडस्ट्री में भी होता होगा, बट इट्स द मेच्योरिटी ऑफ दैट पर्सन हु सेज कर ले यार, जी ले अपनी जिंदगी, मुझे थोड़ी पूरा बिजनेस I want करना to add this, that special person is like a godfather for me, क्योंकि उन्होंने तब मुझ पर विश्वास किया जब मैं कुछ भी नहीं था। और ये कहावत है कि जब आप कुछ नहीं होते हो, जब आपका लोग साथ देते हैं, उन्हें जिंदगी में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब सब लोग मेरे पीछे हैं, सब लोग मेरी डेट्स मांगते रहते हैं, बट जब ये बंदा मुझे कॉल करता है मेरी ये लाइक समथिंग वेरी स्पेशल फॉर मी। मुझे रॉकेट सिंह का एक अच्छा डायलॉग याद आ रहा है, वेर यू नो द कंपनी रियली ग्रोज बिग एंड देन दिस गाय एक्चुअली सेज, इतना बिजनेस बढ़ जाता है कि उसके पार्टनर बोलते हैं कि नहीं अभी आपको ना कुछ और डीलर्स को देखना पड़ेगा, एंड आई आई रिमेम्बर दिस रणबीर सिंह रणबीर कपूर डायलॉग वेर ही सेज मैं लालवानी को नहीं छोड़ सकता क्योंकि ही ट्रस्टेड मी व्हेन आई हैड नथिंग। एब्सोल्युटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है संजय लाइफ ऑन में। कॉन्ट्ररी, ऑन कॉन्ट्ररी ऐसा भी हुआ है किसी ने आपसे इवेंट कराया और पैसे नहीं हुए? आपको क्या लगता है ये सब चीजें सिर्फ इवेंट इंडस्ट्री में या ही फिर हुआ वो है? जो प्रॉमिस्ड अमाउंट था वो नहीं मिला? टचवुड 1500 इवेंट में से एक इवेंट, दो इवेंट है मैं जो बोलना चाहूंगा राइट विथ योर परमिशन, और मैं ये बोलना जरूर चाहता हूँ क्योंकि कोई बोलता नहीं है, और पेमेंट टर्म्स भी कैसी होती है इस इंडस्ट्री में ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई इस बारे में बात नहीं करेगा बट आई थिंक आई शुड टेल दिस। कॉर्पोरेट्स में एक इवेंट एजेंसी को एक एनुअल डे आज होने के बाद उनका पेमेंट टर्म्स होता है 45 डेज टू 90 डेज ठीक है। अब मान लीजिए 1 करोड़ का इवेंट है और एक इवेंट एजेंसी है, 1 करोड़ पैसा आने में कम से कम 90 दिन या 45 दिन लग रहे हैं, तो सारे वेंडर्स को बांटने में भी उतना टाइम लगना चाहिए। तो ये अंडरस्टूड है और ये मैं बहुत अच्छी तरह मानता हूँ कि मेरे अकाउंट में आज जो पैसा आ रहा है वो मैंने 3 महीने पहले काम किया होता है, मैं कई बार भूल भी जाता हूँ कि यार ये कौन सा पैसा आ गया, पैसा आता रहता है लेकिन मुझे याद करना पड़ता है कि मैंने कौन सा इवेंट किया था। तो एक गीता में कहा हुआ है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये वही मैं कर्म करते जाता हूँ और फल की चिंता नहीं करता, लेकिन प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ट्रस्टेड जो हमारी इवेंट कंपनीज है बहुत अच्छे लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं कि आपको फोन करके बोलते हैं भाई तेरे को पैसा नहीं चाहिए क्या, चेक इनवॉइस बाउंस तो होने वाला है, भेज, हाँ चेक इनवॉइस चेक तो भेज, हाँ इन्होंने तो भाई चेक चेक का डेट निकला जा रहा है भाई, तो मैं बोलता हूँ ऑनलाइन के जमाने में काय को चेक भी करते हो, तो बोलते नहीं चेक के बहाने तो आएगा हमसे मिलने और उतनी बातें होंगी उतना कनेक्शन बनता है, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं सच में। पेमेंट आपको फोन करके कौन देता है आजकल, ऐसे भी कुछ लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे भी डेंजर हैं, तो प्रॉब्लम उनमें नहीं है प्रॉब्लम उनकी सोच में है, उसके लिए मैं उनको दोषी नहीं मानता, उनकी नियति वैसी है उनकी सोच वैसी होगी। तो दो उदाहरण मैं देना चाहूंगा, पहला एक तुंग करके जगह है लोनावला के आगे, एमपी वाले के आगे, अब मुझे पहली चीज तो बोला गया कि आपको लोनावला में इवेंट करना है, लोनावला मतलब 60-70 किलोमीटर पुणे से, लेकिन तुम वहां से और 50 किलोमीटर जंगल के बीच में है, जो पहाड़ों से जाना पड़ता है, छोटे छोटे रास्ते होते हैं, वहां पे मैं गया, टीम बिल्डिंग था तो अपने साथ 4 बंदे लेके जाने पड़ते हैं, और टीम बिल्डिंग में आप प्रॉप वगैरह आप खुद नहीं अरेंज कर सकते राइट, तो 4 लोग गाड़ी में भर के मैं लेके गया हूँ, मुझे लोनावला में आके पता चलता है कि आपको तुंग आना है, ये एक बिग सरप्राइज, ये तो गलत कम्युनिकेशन, वहां से और 50 किलोमीटर ऊपर से जंगल जंगल, हम टाइम के पहले 1 घंटा पहले हमारा सेटअप रेडी, जब मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, मैं जब रेडी हूँ सब कुछ ओके है, अब वहाँ की उनकी टीम आने वाली थी हैदराबाद से, वो लोग ट्रेन से आने वाले थे, अब उन्होंने क्या किया ट्रेन से आने के लिए पुणे तुंग आने के लिए वोल्वो बसेस बुक की हैं बड़ी बड़ी,
और वो आने के बाद उनको पता चला कि जंगल में बहुत छोटा रास्ता है, वहां से बसेस आ ही नहीं सकती, तो बसेस एक जगह नहीं, बस रुक गई, अटक गई। तो ये लोग उस रिजॉर्ट से आठ आठ छोटी छोटी गाड़ियां भेज रहे हैं, उन लोगों को ला रहे हैं, उस चक्कर में इनको बच गए छः चेक इन करने में। टीम शाम बिल्डिंग, के हाँ शाम के टीम बिल्डिंग स्टार्ट होने वाला था 2 बजे, करेक्ट अब 6 बजे चेक इन तो काहे का टीम बिल्डिंग हो गया कैंसिल। उन्होंने क्या बोला कि अब जब तू आ ही गया है तो टीम बिल्डिंग तो कैंसिल हो गया, तो शाम का जो अवार्ड नाइट है वो तू होस्ट कर ले। तो मैंने साउंड गुड, तो आ ही गया हूँ तो मुझे भी अच्छा लग रहा है फ्री में पैसे लेने के, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे क्योंकि आपने मुझे हायर किया। तो मैंने वो शाम का शो जबरदस्त किया, कुछ सब कुछ भूल चाल के सब कुछ किया, मैं वहां से निकला। आई डोंट नो समहाउ इस बात को हो गए 2 साल, उसके पैसे मुझे अभी तक नहीं नहीं मिले। मैं चेस करता हूँ तो कोई रिप्लाई नहीं आता, फोन करता हूँ तो, और समहाउ लाइफ इतनी बिजी है कि कभी कभी लगता है यार छोड़ दो। सिंपल थिंग, मिली वन थिंग यू कैन डू इज यू कैन ब्लॉक दैट पर्सन, उसका काम मत करो, और कोई पूछता भी है तो जस्ट से नहीं यार मुझे नहीं करना, मुझे बात ही नहीं करनी इस बंदे के बारे में, तो मैंने छोड़ दिया, आई लीव इट। और दूसरा इंसिडेंट जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया वो था कि एक बैग का डीलर्स मीट बैग होती है राइट, कैरी बैग, वो एयरपोर्ट पे लेके जाते हैं, एक लॉन्च इवेंट था, तो स्लाइट मिसकम्युनिकेशन ही हो गया था कि मैं नया नया था और जो जोश में, आप पूछते हैं कि राइट हर इवेंट से पहले कि आपको कैसा इवेंट चाहिए, जोश वाला चाहिए या नॉर्मल चाहिए, और वहाँ से मुझे फीडबैक मिला कि जोश वाला चाहिए। तो मैं जोश के साथ एकदम पंप कर रहा हूँ लोगों को, और ये मुझे नहीं समझता था क्योंकि मैं नया था, आपको ऑडियंस की तरफ देख के समझना चाहिए उनकी बॉडी लैंग्वेज कि आपको कितना हाई लेके जाना है राइट। डीलर्स थे 50-60 साल के थे सब, दुकानदार लोग, मैं उनको खड़े करके तालियां बजा रहा हूँ, नचा रहा हूँ, विच इज रॉन्ग, मैं वहाँ मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। समहाउ वो एक्ट होने के बाद मुझे नीचे बुलाया गया और सीधा लाइव इवेंट स्टार्ट किया गया। मुझे बोला नहीं गया कि ये है इश्यू है, लेकिन मैं समझ गया कि भाई अपने से गलती हो गई है। मैं 3 घंटे वहां पर बैठा हूँ इस उम्मीद में कि इतना इमेच्योर था मैं कि मुझे वापस बुलाया जाएगा स्टेज पे, लेकिन 10:30 हो गए, लाइव इवेंट चालू है, चालू है, और 10:30 बजे में जाके बोला जाता है ठीक है आप अब निकल सकते हो। अब उस इवेंट के भी पैसे नहीं मिले। मैं ये दो इवेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दो इवेंट जिंदगी में मैं कभी नहीं भूलूंगा मेरे 1500 इवेंट में से, और ये दो इवेंट मुझे सबसे ज्यादा सिखाते हैं, दे करेक्ट टीच यू अलॉट एंड दे मेक यू वॉट आई एम राइट नाउ। आई थिंक इट्स वंडरफुल पॉइंट टू नोटिस कि जब आप इवेंट्स कर रहे हो तो आपका जो ए होता है, आप ऑडियंस होता है, आई थिंक वो सब कुछ होता है, उस एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड योर ऑडियंस, के ऑडियंस की एज कैटेगरी क्या है, वो आई मीन आर दे वेरी क्या बोलते हैं, वेरी क्या बोलते हैं, वेरी वेरी यू नो जैसे भी बोल लो कि आप दे आर नॉट वेरी मॉडर्न, और दे डोंट लाइक मिंगलिंग, दे डोंट लाइक डांस, और आप उनको जबरदस्ती कुछ करा रहे हो, दे विल नॉट फील कंफर्टेबल, एंड आई थिंक एक बार ऑडियंस का कंफर्ट आपसे हट गया ना, देन आई थिंक द गेम इज लॉस्ट. एंड दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म आने वाले एमसीज के लिए, या जो अभी भी एस्टैब्लिश एमसी हैं जितने भी हैं। मेरे एक्सपीरियंस से मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, ट्रस्ट मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होमवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैनॉट गो ब्लाइंडली। मैंने देखा है कई लोगों को कि सीधा जाते हैं इवेंट पे और इवेंट एजेंसी से पूछते हैं कि क्या करना है बताओ, अरे इट्स यू ऑन द डे ऑन दैट डे, 15 मिनट पहले जाएंगे स्टार की तरह, और अच्छा बोले कि क्या क्या करना है बताओ, तुम्हारा होमवर्क कहाँ पर है। एंड आई हैव सीन सम एमसीज़ हु आर रियली सीरियस अबाउट इट, एक एक पॉइंट लिटरली एक एक पॉइंटर्स लिख कर लाते हैं, हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं कि यहाँ पर मुझे आवाज तेज करनी है, इतना डीप होमवर्क भी होता है। सो प्लीज एटलीस्ट थोड़ी मेहनत तो करना बहुत जरूरी है, होमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज यू सेड कि वहाँ पे क्या देना है, जैसे मैंने गलती की थी, एंड एवरी इवेंट टीचेस यू अलॉट। सेकंड थर्ड आपको ये जानना है कि एनर्जी कितनी लेवल तक लेके जानी है, ऐसा नहीं कि आप चिल्लाए जा रहे हो चिल्लाए जा रहे हो, भाई ये एलिगेंट अवार्ड शो है, वहाँ पे आपको चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना टीम अंडरस्टैंड, जहाँ पे एलिगेंस है वहाँ पे एलिगेंस रखना है आपको, ये करेक्ट टेस्ट बहुत मैटर करता है, यू हैव टू गेट इनटू द करेक्ट ऑडियंस शूज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने देखा है कई एमसीज को कि स्टेज छोड़ते नहीं, पोडियम मिल जाए तो पोडियम भी नहीं छोड़ेंगे, नो यू हैव टू कनेक्ट एंड एंगेज विद द ऑडियंस, गो टू द ऑडियंस, गिव देम पर्सनल टच, ऑडियंस डरनी नहीं चाहिए आपसे। अरे यार कई बार मैंने ऐसे भी एमसीज देखे जो किसी हीरो की तरह लगते हैं, फीमेल एमसीज किसी हीरोइन की तरह लगती है, मेकअप, वो चमकीले कपड़े, और फिर क्या ऑडियंस एक आम आदमी है, वो आपको देखने में पास जाने में बात करने में डरती है, यार ये तो ग्लैमर है यार, ये तो इमेजिन करो ना आपके सामने का शाहरुख आ जाएगा, कैसे ऑब्वियसली डरोगे राइट, आप शाहरुख नहीं हो, आप जब तक कनेक्ट नहीं कर पाओगे ऑडियंस के साथ तब तक वो मजा नहीं आएगा, इट शुड नॉट बी वन वे कम्युनिकेशन, बस यही चीजों का ध्यान रखो एंड यू विल रॉक इट फॉर श्योर। एंड यही है कि आप वहां पे हो टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, अंडरस्टैंड देम, एंड टू बिल्ड अप देयर एंथुसियाज्म रादर देन शो द हीरोइज्म कि भाई मैं एब्सोल्युटली हूं. सब कुछ मैं ही नहीं हो सकता राइट, ये ऑडियंस के लिए शो है। आई और थिंक गोइंग बैक टू मूवीज संजय, बिकॉज़ वी बोथ आर मूवी फैंस, एक गजनी में एक डायलॉग है, आमिर खान सेज दिस, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत कम फर्क है. कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस ओनली मैं कर सकता हूँ, मैं बस मैं ही कर सकता हूँ. आई थिंक ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बिकॉज मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री से आता हूँ, मैं काफी ट्रेनर्स को एंगेज करता हूँ, दिस इज वन मैसेज कि आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, एक बबल में मत आ जाओ कि भाई कुछ भी दे दे मैं कर लूंगी. आई थिंक दैट इज वेर यू हैव स्टार्टेड डाउन फॉलोइंग. आई थिंक वेरी वेरी गुड मैसेज सच. नाउ कमिंग टू क्विक पॉइंटर्स ऑन, किसी को एमसी बनना है, टेल मी व्हाट आर द स्किल सेट्स दैट यू थिंक दे शुड हैव और दे शुड इंप्रूव. सबसे बड़ा स्किल सेट, सबसे बड़ा स्किल सेट
वेयर दिस कॉन्फिडेंस जैकेट विथ यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्फिडेंस ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है. अगर आप पांच में स्टेज पे जाओगे, आप खुद ही शिवर कर रहे हो, हाथ पैर कांप रहे हैं, नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई मुझे करना है, यही मेरी लाइफ है, तो फिर डरना किस बात से. आई कैन अंडरस्टैंड बॉडी लैंग्वेज यार, होता है कि मुझे भी पहले 100 शोज में 5 मिनट स्टेज पे जाते मेरे थर थर पाँव कांपते थे, देन आई यूज टू गेट स्टेबल. अभी ऐसा हो गया कि मैं वेट करता हूँ कब स्टार्ट होगा, कितने लोग हैं, जितने ज्यादा लोग इतना मजा आएगा, एंट्री में ऐसा करूंगा वैसा करूंगा. इनोवेटिव आइडियाज ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. स्किल कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड, जैसे मैंने कहा, ये गुरु मंत्र कनेक्ट एंड एंगेज. जब तक आपका कनेक्शन नहीं बनेगा, ये मन में होगा, आपको लोग इग्नोर मारेंगे, लोग व्हाट्सएप चेक करेंगे, यू आर गो. पहले 5 मिनट में समझ में आ जाता है कि आज का शो कैसा होने वाला है. ऑडियंस हमेशा आपको एंथुजियास्टिक नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे साथ टच, मैं जब भी स्टेज पे जाता हूँ, लोग रिलेट करते हैं, लोग मोबाइल पर, उनको पता चलता है यार आज कुछ मजा होने वाला है, यार ये खतरनाक लग रहा है, दिस इज गोइंग टू कनेक्ट एंड एंगेज. और तीसरा, आपकी आवाज के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाले बख्शी हुई आवाज है, सब बकवास. मुझे बहुत लोग होते हैं ये वाली एक्सरसाइज करो, वो वाली एक्सरसाइज करो, ये वेरी टूल. इंटरेस्टिंग. ये मैंने एक्चुअली लोगों को देखा है हु से के यू कैन चेंज योर वॉइस सो यू टॉक विद डीप वॉइस यू हेलो बोलिंग व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मैं कईयों को देखा मैंने कि स्टेज पे आवाज अलग होती है, नीचे आने के बाद आवाज अलग होती है. वाई टू मैनिपुलेट योर सेल्फ, बी रियल. जितना आप दोस्तों के साथ कैसे बात कर रहे हो, हम अभी कैसे बात कर रहे हैं, राइट? ये मेरी ऊपर वाले दी हुई आवाज है, इसको मैं अगर ऐसे करूं और मैं क्या बात कर रहे हो, दैट डजंट मेक सेंस, पीपल राइट? समझ जाते हैं कि आप आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हो. हाँ. अब मेरे पास यहाँ पे एक मशीन रखी हुई है, मैं इस पे अगर एक बटन दबाता तो मेरा बेस बढ़ जाएगा, मैं अमिताभ बच्चन जी की तरह आवाज आ जाएगी मेरी. मुझे वो आर्टिकुलेट नहीं करना है, मैं रियल हूँ, यही मेरी आवाज है, ऊपर वाली दी हुई आवाज है, और ऑडियंस को वही अच्छा लगता है. गिव इट रियल. बी नेचुरल एब्सोल्युटली. कूल सो पीपल पीपल गो देयर. ओके एक तो हो गया आवाज. इवन इफ यू हैव स्लाइटली जैसे कि थोड़े लड़कों का प्रॉब्लम होता है दे हैव अ लिटिल फेमिनाइन वॉइस या फिर लाइटर वॉइस तो फिकर मत करें. आई थिंक इट्स योर एंथुजियाज्म दैट क्रिएट्स द एनर्जी इन पीपल नॉट द डीप वॉइस और वैसे भी बेस्ट आप बेस्ट एग्जांपल फरहान अख्तर आपके सामने है. आई नो आई नो हाँ, आवाज मैटर नहीं करती यार, अनलेस एंड अंटिल यू हैव दैट स्पार्क, आपके अंदर वो टैलेंट है ऑडियंस को घुमाने का, ऑडियंस को वो देने का जो उनको चाहिए, डजंट मैटर. इनफैक्ट आई थिंक देन इट बिकम्स योर यूएसपी. आई कैन फरहान अख्तर आई एम अगेन अ बिग फैन ऑफ हिज सो आई कैन रिकॉग्नाइज हिज वॉइस इन एनी वॉइस. आई थिंक वो यूएसपी बन जाता है. सेम आई थिंक सेम पोज में अमिताभ बच्चन सर आल्सो बच्चन जी का भी यही है कि वो आवाज के कारण आई थिंक ही डिड नॉट गेट अ प्रॉपर करियर स्टार्ट बट दैट बिकेम हिज यूएसपी. आई थिंक ब्रिलियंट. ओके आवाज एक होगी सर सो डोंट वरी अबाउट आवाज गो अहेड डू द थिंग और क्या क्या स्किल सेट्स किसी को प्रूव करना हाँ, आजकल रील्स का ज़माना है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते. वीडियो का ज़माना है, वो गया ज़माना कि जब कनेक्शन सही मुझे काम मिलते थे. आजकल रील्स एक्सप्लोड होती हैं, तो लोग आपको नोटिस करते हैं, राइट? तो अगर आप अच्छा खासा कर रहे हैं, अगर आप महीने के 10-15 इवेंट कर रहे हैं, बड़े इवेंट्स कर रहे हैं, तो आई एम सरप्राइज. बड़े बड़े नाम हैं जो खुद के साथ एक वीडियोग्राफर फोटोग्राफर कैरी नहीं करते हैं. मे बी उनके कनेक्शन हैं, बट डोंट डू दैट. जितने नए लोग, उनके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ऑलवेज कैरी अ गुड वीडियोग्राफर फोटोग्राफर विथ यू, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो दिखता है वो बिकता है. और रील्स एक बहुत बड़ा पार्ट है. सब कुछ खुद मत कीजिए, हायर कीजिए लोगों को, आउटसोर्स कीजिए. दे हैव दैट पर्टिकुलर स्किल्स कि कब क्या दिखा, हम कैसा बैठ सकते हैं, आप उनको बताओ कि यार ये वाला पार्ट मुझे चाहिए, बट दे हैव दैट नैक कि कैसे दिखाना है लोगों को. और रील्स एक्सप्लोर होती हैं, उससे आपको नया बिजनेस मिलता है, तो बुरा क्या है. हाँ, अगर आपके पास बजट नहीं है, तो मैं गैजेट्स के मामले में बहुत टेक सेवी हूँ. Tell us something about your gadgets. मेरे पास दुनिया का हर गैजेट है, आप यकीन नहीं करेंगे. राइट नाउ मेरे पिटारे में सब कुछ है. Okay, here's the thing. Tell me essentials. Somebody should have what you have and how much should you देखिए, मैं पुणे का रेट बताता हूँ. अगर आपके पे पास अभी कुछ भी गैजेट नहीं और आपको अगर रील्स के लिए एडिटिंग चाहिए, 4-3.5 हज़ार, 5 हज़ार तक आपको एक अच्छा खासा टीम मिल जाता है. बंदा आएगा, आईफोन से शूट करेगा और आपके लिए रील एडिट करके एक पैकेज बना के दे देगा, 90 सेकेंड्स की रील बना के दे देगा. one reel or a series of reels? वन रील, वन इवेंट की एक रील. अच्छा ओके लाइक दैट हाँ, लेकिन उसमें मेहनत बहुत है. वो जितना चार्ज करे उतना वर्थ है, क्योंकि उनको वो सारे स्निपेट्स म्यूजिक करेक्ट पे एडिट करना, साथ में करेक्ट लेते हैं वो लोग एडिट करने में, राइट? करेक्ट अब अगर आप 4-5 हज़ार स्पेंड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ. मेरी इन्वेस्टमेंट है, ओके? आईफोन इज मस्ट, अगर आपको वो क्वालिटी चाहिए जो गिम्बल वाली क्वालिटी बोलते हैं उसको. अगर आपके पास उतना भी बजट नहीं है और आपके पास सिंपल एंड्रॉइड फोन है, हर फोन एचडी होता है, डजंट मैटर, फिर आपको एक छोटे से गिम्बल में इन्वेस्ट करना है. और मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं सब कुछ यहाँ पर रेडी रखा ताकि. सो मेरे पिटारे में से चीज़ निकल रहा हूँ ये, और मेरे पास आईफोन के साथ भी मैं गिम्बल यूज़ करता हूँ, तो डबल इफेक्ट आता है. सो लेट मी शो यू व्हाट आई हैव. तो ऑडियंस के लिए व्हाट इज अ गिम्बल? ऑडियंस के लिए क्या है गिम्बल? जब भी आप कोई मूवमेंट कैमरे से शूट करते हैं, उसमें जर्क्स आते हैं, तो वो जर्क्स अवॉइड करने के लिए गिम्बल यूज करते हैं. सो सिंपल एज दैट. वो सिनेमैटिक इफेक्ट, जैसे मूवीज में क्रेन से शूट करते हैं, ट्रॉली रेलवे ट्रैक पे शूट करते हैं, वैसा तो हम तो वो नहीं कर सकते. तो ये है वो गिम्बल जो मैं यूज करता हूँ, बहुत ही अफोर्डेबल DJI गिम्बल.
मैक्स आपको 7,000 में मिल जाएगा ये चीज़। हम्म, ओके ये डीजे गिम्बो, और इसका पूरा ये पिटारा मिलता है उसके साथ। एक एमसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी आवाज़, तो आपसे फ़ोन पे शूट करके रील्स में मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, एंकर की आवाज़ 10 सेकंड रहते हैं, 90 सेकंड, और 90 सेकंड पूरा म्यूजिक और एक्शन नहीं। नया क्लाइंट या नया इवेंट मैनेजर आपकी आवाज़ सुनना चाहता है, तो मैक्सिमम उसमें आवाज़ होनी चाहिए। और आवाज़ कैप्चर करने के लिए बहुत सारे गैजेट्स हैं, एक गैजेट तो ये है जो मैंने अभी लगा रखा है, रोड का वायरलेस माइक। इसके दो वर्जन आते हैं, ये दो ट्रांसमीटर हैं और एक रिसीवर जो मैंने अभी लगा के रखा हुआ है, मैं यूज़ करता हूँ जिससे आवाज़ क्लियर कैप्चर होती है। सेकेंड, अगर आप ये नहीं कर सकते एंड तो प्रोबेबली पीपल कैन गो विद अ सिंगल चैनल इफ दे आर फोकसिंग ओनली ऑन एफसी. हाँ सिंगल चैनल, तो वो शायद 17-18 हज़ार रुपये में ये वाला माइक आ जाता है, विच इज़ गुड। ऑडियो कैप्चर होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसमें ही सस्ते वाले वर्जन आते हैं, लेकिन एक एक्सटर्नल माइक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे कुछ गैजेट्स हैं जो मेरी वीडियोज़ अच्छा बनाते हैं, और मैंने खुद एडिटिंग सीखा है, तो मैं अपनी रील्स खुद ही एडिट करता हूँ। Awesome. So, let me recap. एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत होती बहुत है. बहुत मेरा ये मानना है संजय कि अगर आपका वीडियो भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है ना, उसको एडिटिंग में कुछ कर सकते हो, लेकिन ऑडियो नीड्स टू बी वेरी क्लियर. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वन. नंबर टू, इन्वेस्ट इन गुड कैमरा या फिर किसी एक आजकल. इनफैक्ट आई विल टेल यू वन. ओके, मेरी एक रील मैंने पूरी शूट की थी, एक पूरी इवेंट की, एंड रील नहीं, थोड़ी लंबी थी इनफैक्ट. वो बंदे ने मेरे को 2,000 रुपीज चार्ज किया था, कॉलेज का बंदा था, एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक था. वो वहां आया, आई कैन नॉट मेंशन द क्लाइंट, बट ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट टायर मेकिंग कंपनी है, एंड उसको वहां से दूसरा कॉन्ट्रैक्ट. हाँ एग्जैक्टली तो उसके लिए भी लोग आते, स्पेशली फॉर एग्जैक्ट कॉर्पोरेट इवेंट्स, पीपल से ओके मैं आ जाऊंगा. एंड हाँ लाइक यू से, एडिटिंग वेडिटिंग फिर आपका सर का दर्द ही नहीं, वो एडिट करके भेजेगा, वर्जन मोड वर्जन टू आप बना दे. एंड एक रील या फिर अगर आपके पास दो तीन रील्स अगर सॉलिड बन गए, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर योर पोर्टफोलियो फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स. सो एब्सोल्युटली डू इन्वेस्ट इन दैट, डू इन्वेस्ट इन बहुत दैट. बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका काम दिखना चाहिए। आजकल वीडियोस का जमाना है, इसलिए पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, सब कनेक्शंस का खेल होता था, लेकिन आजकल कनेक्ट्स के साथ रील्स साथ ये भी चाहिए, दोनों वीडियोस चाहिए, बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है, चाहिए. ओके, क्योंकि करेक्ट. आप जब भी कोई नया इंक्वायरी आती है पहले वो वीडियोस मांगते हैं आपके पास। और मैं यही कहता हूँ कि लोग आजकल रील्स में खुद की आवाज़ नहीं डालते हैं, एंकर के लिए आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आवाज़ उसके वीडियो के पहले 3 सेकेंड्स में सुननी चाहिए, नहीं तो क्लाइंट आपके वीडियोज को इग्नोर मार देगा। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? हाँ ये बहुत सही सवाल है। इन्वेस्ट इन क्लोथ्स. दिस इज वन ऑफ माय यू नो एडवाइस इवन फॉर ट्रेनर्स. पीपल आस्क मी, इन चेन्नई, इन हैदराबाद, व्हाई डू वेयर अ सूट? जरूरी है क्या? राइट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और लेट मी टेल यू, एक बिगिनर्स के लिए सूट्स में इन्वेस्ट करना ऑलमोस्ट शुरुआत 5-10 हज़ार से होती है, एक फॉर्मल सूट। और हमारे जो एंकर्स के ग्लिटरिंग वाले सूट्स हैं उसकी तो कीमत 30-35 हज़ार रुपये होती है। सो दैट इज़ समवेयर नॉट सजेस्टेड, बट आपको मैं चीज़ बताता हूँ, रेंट पे मिलते हैं सूट्स, तो दैट्स अ गुड ऑप्शन, 1-2 हज़ार में रेंट पे मिलते हैं। क्योंकि आप अगर एक सूट आपने लिए तो उसको कितने शोज में पहनोगे आप, राइट? वो रिपीट 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 हो जाता है। तो टच, मेरा एक पूरा वार्डरोब भरा हुआ है तो मेरे साथ वो किस्सा नहीं है, लेकिन रेंटिंग इज गुड ऑप्शन अगर आप बिगनर हैं, और ऊपर वाले की दुआ से अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो गो फॉर इट। मार्केट में मुंबई, चेन्नई, पुणे ऐसी बहुत सारी जगह है, आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके सिटी में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे 30-35 हज़ार ग्लिटरिंग वाला ब्लेजर आपको 5 हज़ार में भी मिलता है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, रेंटेड आउट, बाइट, और ऐसे अड्डे ढूंढो जहाँ पे ये चीज़ 5 हज़ार में मिलती है। आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. सो पीपल हु आर स्मार्ट विल अंडरस्टैंड. ओके, नंबर थ्री, वो बोलते हैं ना, छपरी बन के मत जाओ. दिस अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग फैशन ओरिएंटेड एंड बीइंग अ क्लास. मैं हमेशा क्लास में बनता हूँ. मुझे लगता है कि आप जब वहां जाते हो ना, यू शुड नॉट बिकम लाइक दी स्पॉटलाइट थिंग, बट आपको देख के लगे हाँ भैया, अगर मैं इस पर पैसा लगा रहा हूँ 20,000 25,000 एक दिन का, वर्थ. तो इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है संजय, या फिर एक माइंडसेट है लोगों का, कि मैं अगर एमसी में ज्यादा चार्ज करना चाहूं तो मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ेगा. योर योर व्यूज ऑन दैट? यस, जैसे म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, वैसे किसी एमसी की भी कोई लैंग्वेज पे उसकी कॉस्ट बेस्ड नहीं होनी चाहिए। आई स्ट्रांगली बिलीव दिस, और ये फैक्ट है कि इंग्लिश स्पीकिंग एमसी ज़्यादा चार्ज करते हैं, और ये एक्सेप्टेड है हर जगह, स्पेशली पुणे में। आपको बताऊँ, मराठी मराठी इज़ लोकल लैंग्वेज, राइट? और मैं बहुत गिने चुने उन एमसीज़ में हूँ जो मैं इंग्लिश, हिंदी, एमसी और मराठी तीनों लैंग्वेज बोल सकता हूँ। पुणे में रह के भी आप यकीन नहीं करेंगे, दो तीन लोग होंगे जो ये तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। अब एक एक कैटेगरी वो है कि मराठी स्पीकिंग एमसीज़ ऐसा बोलते हैं उनको, कि उनकी एक्सपर्टीज है मराठी, है कि हिंदी इंग्लिश स्पीकिंग एमसीज, और आप चार्ज देखोगे ना दोनों का तो ऑलमोस्ट 1/4 पे काम कर रहे हैं मराठी स्पीकिंग एमसीज। बट वाई लाइक दैट? आई टेल यू, आपके ऑडियंस ज्यादा करेक्ट कर पाते हैं? आई हैव अ फीलिंग कि ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, कि ट्रेनर्स हु स्पीक इन इंग्लिश गेट पेड वेल, एंड पीपल हु कैन डिलीवर ट्रेनिंग इन कोलोकियल लैंग्वेज, दे फील दैट दे आर नॉट ट्रेनर्स. व्हाई इज इट लाइक दैट? मनी लाइज बिटवीन 2 इयर्स, ओके, इट्स अ माइंडसेट।
मराठी स्पीकिंग एमसीज की जो भी जितने भी फ्रेटर्निटी हैं उन्होंने खुद को ही 10 बार ये बोला है कि यार इंग्लिश स्पीकिंग को एमसीज को ज़्यादा ही मिलता है। जिस दिन आप बोलना बंद करोगे ना, और जिस दिन आप बोलोगे नहीं जय महाराष्ट्र माझी माझी भाषा है आणि यासाठी मी जास्त चार्ज करणार मजे करणार, ही माझी कॉस्ट है, ये मेरी कॉस्ट है ये। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी खुद मराठी बोलता हूँ, मैं खुद महाराष्ट्रियन हूँ। महाराष्ट्र महाराष्ट्रीय लैंग्वेज मराठी लैंग्वेज संस्कृत से डिराइव देवनागरी लिपि में है। इसको अलंकारिक मराठी में बोलना बहुत बहुत मुश्किल है, आजकल सब लोग भूल चुके हैं। और कुछ लोग इतना अच्छा बोलते हैं, मैं बोलता हूँ यार तुम लोग जैम हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं बोल सकता, कितना शुद्ध बोलते हो, कितना अलंकारिक बोलते हो, तुमको तो साला 10 गुना चार्ज करना चाहिए, एंड दे चार्ज वेरी लेस। एंड यही मैं बोल कि माइंड सेट चेंज माइंडसेट चेंज करो माइंड सेट। बताओ भाई मैं क्यों चार्ज कर रहा हूँ, मराठी बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, स्पेशली इतनी अच्छी मराठी बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, एंड दिस इज व्हाट आई दैट्स व्हाई आई एम चार्जिंग। आई थिंक दैट्स इनफैक्ट दैट्स एन यूएसपी. आपको बोलना चाहिए कि सर आप क्या ऑडियंस अगर मराठी बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, उनको इंग्लिश एम से खड़ा के क्या करने वाली है. फिर वही हो गया ना कि सब तमिल में बात करें, मराठी में बात कर रहे हैं, लेकिन जाके इंग्लिश पिक्चर देखें. नो, आई थिंक एग्जैक्टली दैट माइंड सेट नीड्स टू चेंज. एग्जैक्टली असल मैन, ओके, कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन अबाउट पैकेजिंग योर सेल्फ. ओके, कपड़े का हमने बात कर लिया, ऑडियो वीडियो का बात कर लिया, हमने लैंग्वेज का भी बात कर लिया. तो लास्ट थिंग, अगर मैं एक टीयर टू सिटी से हूँ या टीयर थ्री एक छोटे से टाउन से, ओके, व्हाट इज योर एडवाइस फॉर पीपल देयर? ओके। सो जस्ट इमेजिन कि पुणे, मुझे नहीं पता शायद कौन से टीयर में आता है, टीयर 2। आई थिंक पुणे इज मूविंग टूवर्ड्स टीयर वन नाउ, बट हाँ या राइट। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मैं बिलोंग करता हूँ सांगली कोल्हापुर, ये छोटे छोटे सिटीज है, डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन टीयर 3 में आते हैं। वो वहाँ पे इतने इवेंट्स नहीं होते हैं। अगर मैं पुणे में बैठ के देखूँ तो जितने मुंबई में इवेंट्स होते हैं उतने पुणे में नहीं होते हैं, राइट। मुंबई भाई हब है फिल्म इंडस्ट्री का, स्टॉक एक्सचेंज का, बहुत सारी चीज़ों का, फाइनेंशियल का हब है। सिटी बहुत मैटर करती है, ये फैक्ट मैं बोलता हूँ, क्योंकि आज इमेजिन करो कि मैं पुणे से शिफ्ट हो जाता हूँ हैदराबाद, आई एम 0, क्योंकि मेरी मेरे सारे कनेक्शंस पुणे में हैं, और मुंबई में एक 10 होंगे, और ऑल ओवर वर्ल्ड जो इवेंट करता हूँ वो 4 होंगे। मेरी जो भी रोजी रोटी है इन सब कनेक्शंस पे चल रही है। मैं सिटी चेंज करता हूँ तो मैं 0 हो जाता हूँ, मुझे वापस स्क्रैच से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मेरा सजेशन उन लोगों के लिए है जो छोटी सिटीज में है, सिटी मैटर करती है, ये फैक्ट मैं मानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ बोरा बिस्तर लेकर इधर आ जाओ और शुरुआत करो, हर एक को 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। और आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, राइट। तो आप वहाँ बैठकर भी आप ये दिखा सकते हो कि नहीं सर मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन कम, राइट। कई लोग ऐसा करते हैं, रहते रहते छोटे शहर में, अपने गाँव में रहते हैं, लेकिन देखिए जगह उनकी पुणे रहती है, जो आसपास के आ जाते हैं, दे कैन कम इजिली। तो किसको क्या पता चलता है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव दैट स्पार्क, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप वो डिलीवर कर पा रहे हो जो क्लाइंट को चाहिए, डजंट मैटर, वन थिंग। सो गो फॉर इट, ऑनलाइन का जमाना है, शो योर प्रेजेंस, कीप पोस्टिंग व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाओगे तो मैं आजकल एक चैलेंज ले रहा हूँ कि 100 100 डेज रील चैलेंज। तो आज वो 24वां दिन है, राइट। ओके, उस 100 में से एक रील तो वायरल होने वाली है, करेक्ट. वो आपको नया काम देने वाली है, और एल्गोरिथम को भी पता चल जाता है कि यार ये बंदा रोज डाल रहा है, रोज डाल रहा है, रोज इसी समय में डाल रहा है, तो पूरी कायनात उस रील को बढ़ाने में लग जाती है, पूरे एल्गोरिथम इंस्टाग्राम का आपको एक्सप्लोर करने में लग जाता है। सो शो योर प्रेजेंस, डिजिटल फुटप्रिंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना डिजिटल फुटप्रिंट करो, लोग बाहर में जाए, लोग कुछ भी बोले कि यार ये तो हमेशा ऑनलाइन रहता है, हमेशा डालता है, रोज वीडियो डालता है, कुछ भी बोले लोग, एक दिन आप ऐसा बनो कि लोग गूगल पे एंकर डालें तो आप ही दिखने आप चाहिए, इतना दे शुड बी नो सेकेंड ऑप्शन, दैट्स द सीक्रेट। ऑसम. ओके, थोड़ी सी संजय भैया, एट द लास्ट लास्ट एंड टुवर्ड्स द पॉडकास्ट, तो थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, मुझे लगता है कि एमसी इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, बट इट्स अ स्टैंड अलोन पोजिशन. जैसे कोई भी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी मूवी में एक डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है, एक पूरी इवेंट इंडस्ट्री में आप कुछ भी कर लो, खाना कैसे भी कर लो, ये वो सब है, लेकिन एक एमसी की जरूरत है. सो वेयर डू यू थिंक दिस इंडस्ट्री इज गोइंग नेक्स्ट 5 साल में? आपको क्या लग रहा है कि एमसी इंडस्ट्री कैसे दिखेगी? आजकल टेक्नोलॉजी चेंजिंग एंड ट्रस्ट मी एवरी डे इट इज चेंजिंग, कुछ नया नया आ रहा है, और कुछ लोग बहुत इनोवेटिव है इस मामले में, कुछ तो क्रिएटिव करते रहते हैं, बहुत क्रिएटिव करते हैं, और सम हाउ मैंने उसको अडॉप्ट किया है। आपको जैसे आईटी में जब जॉब करते थे तो नए नए सॉफ्टवेयर आते थे, नई नई टेक्नोलॉजी आती थी, राइट। आपको इवॉल्व करना पड़ता था, हमें नए नए कोर्सेज करने पड़ते थे, हमें ऑनलाइन टेस्ट देने पड़ते थे, और ये भी होता था कि अगर ये सारे टेस्ट आप पास नहीं होते तो आपका अप्रेजल नहीं होगा, ये क्राइटेरिया होता था कि आपको 0 अप्रेजल मिलेगा अगर ये टेस्ट पास नहीं किए। जब वहाँ पे हम मजबूरी में करते थे तो एमसी इंडस्ट्री में क्यों नहीं करेंगे, राइट। आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, लोग वही घिसी पिटी चीज़ें, वही राम लखन वाला स्टेप आप नहीं कर सकते, आपको कुछ नयापन लाना पड़ेगा, क्योंकि एक कंपनी आपको कितनी बार बुलाएगी, ये सोचो। छोटा सा जोग्राफिकल एरिया है पुणे, एक कंपनी है ITC जिनके लिए मैंने 10 बार किया है, 10 बार उनके मैंने 10 बार होस्ट किए हैं, अब 11वीं बार मैंने बोल दिया भाई अब मैं क्या करूं, राइट।
किसी और को दे दो, लेकिन ये बोलने का वक्त नहीं आना चाहिए, आप हमेशा इवॉल्विंग होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ आपको कि हर बड़े एनुअल डेज में एलईडी वॉल्स होती है, मैं उनको यूज करके ऐसे धमाकेदार गेम्स बनाता हूँ जो शायद डिजिटल गेम्स करने वाले बहुत कम एमसीज हैं, उसको मैंने नैक पकड़ा है। मैंने सॉफ्टवेयर बनाए हैं जैसे डिजिटल डांसिंग तंबोला, ये मैंने इन्वेंट किया है। बहुत सही, तंबोला में क्या होता था, एक पर्ची होती है जिसमें टू प्लिक करेक्ट. होता है, नंबर होता है, आप डाइस निकालते हो, नंबर प्लिक करते हो, ये एक साइड। मैंने उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया, मैंने कहा नो पेन नो पेपर, आपको एक एलईडी वॉल पे स्कैन कोड दिखाया जाएगा, आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है, आपके मोबाइल पे टिकट जनरेट होगा नाइस और नाइस. उस टिकट पे नंबर की बजाय गानों का नाम होगा, जैसे छैया छैया, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ऐसे एग्जाम एग्जांपल दे रहा हूँ। एक टोटल 21 ट्रैक तो मैं डीजे को पहले दे देता हूँ, और एक सॉफ्टवेयर होता है जो मेरे लैपटॉप पे कनेक्टेड होता है, गाना बजेगा, आपको सबको डांस करना है और वो उस मोबाइल पे उस गाने पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पे एक बड़ा सा क्रॉस आएगा, मेरा सॉफ्टवेयर हर एक के रिस्पॉन्स को नोट करेगा और फिर आपको प्राइजेस तंबोला के फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। आई थिंक एक ऑसम ब्रो, इनोवेशन है, राइट? ऑसम ब्रो. सो मेरा सजेशन ये है कि एग्जिस्टिंग एमसीज, नए एमसीज, ऑलवेज कीप इवॉल्विंग योरसेल्फ, क्योंकि आप अगर आराम से सो गए इत्मीनान से कि भाई मेरे ऐसा कोई नहीं है, याद रखो कोई ना कोई आपका कंपटीशन इस वक्त आपसे वो शो कहीं ना के कहीं है. जा रहा है, क्योंकि आप इनोवेशन नहीं कर रहे हो। ऑसम. सो इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, देयर्स नो डाउट अबाउट इट. एंड लाइक वी डिसाइड, वी डिस्कस्ड, अगर आपके, चलो आपने एक साल में ट्रैक्शन पकड़ा, ओके, और ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ बिकॉज आई टोल्ड यू, हमारे दोनों की इंडस्ट्री बहुत क्लोज जाती है, यू नो दैट्स हाउ इट वर्क्स. एक दो साल में आपने ट्रैक्शन पकड़ लिया, आपका प्राइस फिक्स हो गया कि लार्जर ऑर्गेनाइजेशन को मैं 50,000 चार्ज कर रहा हूँ, थोड़े स्मॉलर को 25-30 में कर रहा हूँ. और अगर आपके महीने में 7-8-10 दिन भी बुक हो रहे हैं, आई थिंक यू आर डूइंग फेयरली वेल देन एज एन एमसी. द रेस्ट ऑफ द डेज, माय एडवाइस इज दिस, रेस्ट ऑफ द डेज आर नॉट रेस्टिंग डेज, रेस्ट ऑफ द डेज आर लर्निंग एंड मार्केटिंग डेज. योर इनपुट्स ऑन दैट ब्रो. आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ, मार्केटिंग रेस्ट ऑफ द डेज में नहीं होनी चाहिए, मार्केटिंग रोज सुबह होनी ब्रॉड होने चाहिए। चाहिए, बट मैं रोज वो सुबह, लर्निंग, वो रिसर्च, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ दैट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस और मैं अभी भी करता हूँ। मैं रोज एक घंटा देखता हूँ कि मार्केट में नया क्या चल रहा है, इट्स ऑनलाइन वर्ल्ड, पूरी दुनिया का एक्सेस है मेरे को। टीम बिल्डिंग इज अ सच अ वास्ट थिंग, कितना क्या आप अलग कर सकते हो डिजिटल गेम्स में, आप क्या अलग कर सकते हो। एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कि सुबह उठने के बाद जैसे हम जिम जाते हैं उसी तरह सुबह आपका मार्केटिंग प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एवरी मंडे मॉर्निंग अगले 7 दिन के रील्स शेड्यूल करता हूँ। तो शेड्यूलिंग बहुत लोगों को पता नहीं है कि लगता है रील्स ऑटोमेटिक डाल, ऐसा नहीं है, हर चीज़ का शेड्यूलिंग है और ये थोड़ा सा नॉलेज गेन करने वाली बात है। एक बार आपने मंडे को शेड्यूल कर दिया, उसमें आपको रील्स देखने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करो। मतलब आप पूरे 7 दिन के रील्स आप शेड्यूल कर. मंडे मॉर्निंग मैं शेड्यूल करके छोड़ देता हूँ, उसका एक टाइमिंग सेट है। और एक सीक्रेट बता रहा हूँ कि रोज एक चीज़ पे अगर बार बार एक चीज़ जाती है, जैसे मान लीजिए मेरी रील्स रोज सुबह 10 बजे जाती है, एक महीने बाद इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को आदत हो जाती है कि 10 बजे इसका कुछ तो आने वाला है, गेट रेडी। तो सारे फाइटर्स एल्गोरिथम के तैयार हो जाते हैं आपके इस रील्स को बूस्ट करने के लिए। सो शेड्यूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी डे यू हैव टू स्पेंड सम टाइम। ऐसा नहीं कि मैं रील्स 7 दिन छोड़ के शेड्यूल करके मैं चुप हो जाऊँ। बाकी फिर चीज़ें हैं, यूट्यूब है, थ्रेड्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीज़ें, स्पेंड 1 आवर डेली, लर्न न्यू थिंग्स, और सब कुछ आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। एडिटिंग अगर रील्स बाहर दे दी है तो इट्स कम्स विद द कॉस्ट, बहुत सारी चीजें हैं। सो गिव गिव योर बेस्ट, कीप गोइंग। एंड आलस कभी, मेरा भी मन करता है कि नहीं यार आज छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है, राइट? आज मार्केटिंग नहीं करना है उसके, ये करने के बाद फिर मैं जिम जाता हूँ, वहाँ 2 घंटे देने पड़ते हैं, फिर दिल करता है यार थक गया आज छोड़ रिलैक्स, लेकिन वो अंदर से एक आग होती है आपको हमेशा इग्नाइट करके रखती है। एंड जहां तक पैसे की बात है संजय, आई थिंक आई गिव यू अ सिंपल फॉर्मूला दैट आई फॉलो. मैं मान ले, अगर मुझे लग रहा है कि मार्केटिंग एक्सपेंसिव है, कि मुझे महीने के 10,000, 15,000, 20,000 नहीं दे पा रहा हूँ, देन जस्ट थिंक कि आप एक इवेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कर, एक इवेंट में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, उसका पैसा उठा के आप मार्केटिंग कर. एग्जैक्टली, एंड बिल्कुल एंड सही, आई थिंक ये मैंने कहीं तो पढ़ा था, ग्रेट प्रोडक्ट्स विद एवरेज मार्केटिंग इज एवरेज रिजल्ट, बट एवरेज प्रोडक्ट विद ग्रेट मार्केटिंग बिकम्स टू सक्सेस. बट बिल्कुल अगर सही आपके बात, पास प्रोडक्ट भी अच्छा है और उसको मार्केट भी आप अच्छे कर रहे हो, आई थिंक इट्स अ किलर, इट्स अ किलर. फिर देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल. एंड लास्ट लास्ट चीज में ये, मैं संजय को बहुत क्लोजली आई, यू नो, हम, ओके, फॉर द ऑडियंस हु डोंट नो कि संजय और मैं कैसे मिले थे, वी हैव अनदर बडी सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, उसका नाम लेना जरूरी है, बिकॉज हैट्स ऑफ टू हिम, बिकॉज ही इज द वन हु कनेक्टेड समीर. सो वी मेट एंड यू नो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट सिनर्जी. एंड जब मैं पॉडकास्ट का सोच रहा था, फर्स्ट नेम दैट केम इनटू माय माइंड इज यू. ओके, सो दिस इज फॉर द ऑडियंस, एंड दिस इज आल्सो बिकॉज, नॉट जस्ट बिकॉज वी आर ग्रेट बडीज, इट्स बिकॉज आई, जब मैं सवेरे उठता हूँ ना, मुझे एक ना एक रील, एक ना एक पोस्ट संजय का जरूर दिखाई दे. एंड आई थिंक एज अ फ्रेंड इट इज कंपल्सरी फॉर मी टू हिट दैट लाइक एंड से.
So I think I want you to display the T-shirt which you did pre, podcast for me, which Yes, says yes. discipline, Before I disclose, Mm-hmm. I just want to say, अगर समीर ये पॉडकास्ट देख रहा है, लेट मी टेल यू, वेरी वेरी टैलेंटेड गाय. मैंने बहुत कुछ सीखा है उससे. ही इज सच अ टेक्नो सेवी गाय. Awesome. आपके पास कुछ भी इशू रहने दो, हर सोल्यूशन भाई साहब के पास मिलेगा. सच अ ब्लेस्ड टैलेंट. और वी आर सुपर लकी. आई मीन वी हैव सच अ फ्रेंड एंड अमेजिंग एंड वेरी हेल्पफुल गाय. आप उसको कभी भी मैसेज डालो, आपको विद इन 1 मिनट रिप्लाई आ जाएगा कि दिस इज द सोल्यूशन. मैंने बहुत कुछ सीखा है उससे. सो गुड. एंड यस, दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू That's डू. the key. That's the key. I love that t-shirt. I love that And t-shirt. I strictly follow this. Absolutely. सच अ लास्ट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट. ओके, ये तो समझ में आ गया कि ओके, मैं एक स्टूडेंट हूँ या फिर मैं एक जॉब में हूँ. मुझे एक हसलर की तरह सैटरडे संडे ये जाके छोटे छोटे इवेंट्स लेना है. माइक कंफर्टेबल होना है, मुझे कैमरा कंफर्ट होना है, मुझे ऑडियंस कंफर्ट होना है. तो ये सारी चीजें आ गई. देन यू स्टार्ट रिसर्चिंग बिकॉज इट्स योर पैशन. एंड प्लीज डोंट गेट इनटू एनी प्रोफेशन इफ इट डजंट सपोर्ट योर पैशन और इंटरेस्ट. दैट्स समथिंग दैट आई स्ट्रांगली बिलीव इन. वहां से आपने स्टार्ट किया, फिर यू स्टार्ट टाइंग अप विद पीपल. आपकी मार्केटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. फिर आप वो लेवल पे पहुंच जाते हो जहां पे आप दिन का 30 से 50 हजार चार्ज करते हो. एंड डोंट एक्सपेक्ट कॉर्पोरेट की तरह के हर दिन आप काम करोगे तो 30,000 × 30 दिन मुझे 9 लाख मिलेगा. दैट्स नॉट हाउ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्क्स. यू नीड टू हैव सम रेंज इन दैट. बट दिस इज हाउ इट गोस. द लास्ट थिंग संजय इज दिस. ओके, एंडिंग कमेंट्स. एंडिंग कमेंट्स. ऑफकोर्स आई नो यू एज अ वेरी मैच्योर्ड प्रोफेशनल. तो आप नो वेर इट्स गोना अफेक्ट यू. सेइंग अगर मैंने अपने सीक्रेट्स बता दिए तो मैं अपने कॉन्फिडेंट को फील करता, नथिंग लाइक दैट. बट व्हाट इज योर लास्ट मैसेज टू पीपल हु आर वाचिंग, स्पेशली फॉर people who are already in MC, they're not doing well for whatever reason, or people who want to come into the MC industry and become MC. What are your closing comments for that? Yes, those who are coming, you have thought that I have to be an MC. Go only and only if want to live that moment. अगर अभी आप ऑफिस में जॉब कर रहे हो और मंडे मॉर्निंग अगर आप रोनी वाली शक्ल, वो उल्टा वाला स्माइली लेके जाते हो और एमसी में इसलिए आना चाहते हो कि यहाँ पे बहुत पैसा है, ग्लैमर है, और आपने स्टार्ट कर दिया और आप वहाँ पर भी आप रोनी वाली शक्ल लेकर आओगे, इसको काम समझ में आओगे, देन डोंट कम. क्योंकि एक तो आप जॉब भी छोड़ दोगे और यहाँ भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, आप मझधार में अटक जाओगे. If you have that passion, living that moment, creating that magic, adding smiles to the people, अगर ये आप में है तभी आओ, वरना मत आओ. जो चल रहा है उसमें ग्रो करो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जाने से पहले एक चीज सभी लोगों को मैं समराइज करना चाहता हूँ. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी ध्यान से सुनना, कि कई लोगों की जिंदगी बीत जाती है ये जानने में कि मेरा पैशन क्या है. बहुत इंपॉर्टेंट है. कई लोग ब्लाइंडली पैसे के लिए, ग्लैमर के लिए, यार मैं दिखने में अच्छी हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं कर लूंगी यार, और वो घुस जाते हैं एमसी में. नो नो, वो कनेक्ट एंड एंगेज का खेल है. जिंदगी बीत जाती है लोगों की ये जानने में कि मेरा पैशन क्या है. और पैशन क्या होता है, मैं आज को वो सीक्रेट फॉर्मूला डिकोड कर देता हूँ. पैशन वो होता है कि आपको नई नई चीजें ट्राई करते रहो, और करते वक्त जब आपको लगता है कि मेरा एक दिन, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, पता भी नहीं चला भाई मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे नींद नहीं लग रही, ये करते वक्त, वो आपके लिए पैशन है. जब आप पैसे से परे जाके करते हो, वक्त के परे जाके करते हो, आपको लग रहा है कि यार नहीं यार मुझे वक्त का पता ही नहीं चला, दिस इज समथिंग विच आई लव मोस्ट, दैट इज अ पैशन फॉर यू. सो स्ट्राइकिंग दैट पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे ऐसा नहीं पता था कि मैं एमसीइंग करूंगा तो एंकरिंग करूंगा तो ये मेरा पैशन, मुझे नहीं पता था. इट हैपेंड ग्रेजुअली. लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ, मैं घर पर लेटा हुआ हूँ, मुझे खड़े होने के लिए सहारा लग रहा है, और द मोमेंट आई वेंट ऑन स्टेज, मैंने उस दिन दो इवेंट किए और रॉकिंग इवेंट किए, वो मैजिक है, वो स्टेज का मैजिक है, वो माइक का मैजिक है, वो मेरे पैशन का मैजिक है. दिस इज जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू. Awesome. So that's a little journey of Sanjay and inputs for people who are looking at at making a career in the MC industry. Guys, मेरी यही कोशिश है कि I keep bringing professionals like Sanjay who's done really well when whatever he's doing, and so that आपको पता चले कि दूसरे दूसरे professions हैं जिसमें आप actually career बना सकते हैं. So that was my brother, my good friend, my one of I am one of his fans. So So Sanjay, thank you very, very much for joining. God bless. हम सब आपको एक बहुत internationally एक बहुत बड़े MC के रोल पे देखना चाहते हैं very soon. And God bless you. It's been very good. So thank you so much for joining. थैंक यू सो मच फाइम, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. आपने मुझे फ्लैशबैक में आप लेके गए और मुझे बहुत अच्छा लगा टू फ्लैश ऑल द बीन्स. बहुत कम बार ऐसा मौका मिलता है कि मैं अपने दिल की बात बोल पाता हूँ, और मेरी वजह से अगर कई लोगों की लाइफ में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस हो जाए, थोड़ा सा भी फर्क पड़ जाए, समथिंग टेक अवेज, एंड आई एम ब्लेस्ड. जाने से पहले सिर्फ यही कहूँगा, डिसिप्लिन, डू इट इफ यू डोंट फील लाइक इट. थैंक यू सो मच. Absolutely. Thanks so much.